हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे बच्चे, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक को देखा था कि एंट्रीज कैसे बनती हैं, क्या मतलब होता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का, कैसे आपका हर एक वर्ड को वो आपको फर्स्ट से फाड़ना, फर्स्ट से आपका फेस वैल्यू, फिर आपका एंट्री करने का तरीका और बहुत सारी बातें मैंने सिखाई थी। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज मेरे बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत लिमिटेड उन्होंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, 1 या 2, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये कन्फर्म्ड है कि जितने क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके सिवा कुछ अलग से पॉइंट नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? आइए, मैंने एक तरीका आपको बताया था कि अगर आपको ये जानना है कि कब रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा, याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास को मैं पहले ओपन कर लूँ। पिछली क्लास में ये हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था बच्चे। मैंने आपको कहा था कि देखो, एंट्री करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो एसेट्स बढ़ गया बढ़ा दो, घट गया घटा दो, जो घाटे फायदे होंगे वो रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, है ना बच्चे? तो ये ठीक है, इसमें यही तरीका आपका। मैं एक और सिंपल तरीका आप चाहो तो मैं बता दूं, कोई भी एसेट्स बढ़ा घटा, बढ़ा दो घटा दो, और उससे उसको घटाने बढ़ाने के बाद अगर आपके दिल से, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है ओहो या फिर आहा, तो इन दो केस में नाम आएगा रिकंस्ट्रक्शन का। सर ये क्या बोल दिए, मैं बताता हूँ। देखो ना, यहाँ पे आपके मशीन, फर्नीचर, डेटर्स एंड गुडविल की वैल्यू कम हो गई, ओहो, तो हमने क्या बोल दिया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आप देखो, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से बढ़ गई, आहा, कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। आप देखो यहाँ पे लॉसेज पहले से, तो ये तो पहले से ओहो थे, तो कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। सारी एंट्री वही है मेरे बच्चे, ओहो आहा, अब क्रिएटर्स ने क्लेम आपको 80,000 से कम कर दिया, आहा, तो कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन में। बिल्स पेबल वैसे रहे जैसे पहले थे, कोई ओहा नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होगा। तो हर एक एंट्री में वही है, लोन आपका 250 था, अभी भी 250 है, नो ओहा। सर रेट तो कम हुआ, आज ओहा नहीं है, वो जब होगा तब होगा, आज की बात करो। अगर आत्मा कहती है ओहो या फिर आहा, तो रिकन्स्ट्रक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नोट्स मैंने लिखाए थे, कब हम जो आपके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स एंड प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस को हमेशा राइट अप करेंगे, बोले चाहे ना बोले। लेकिन बाकी जो आपके एसेट्स रिजर्व हैं, आपके जो एसेट्स लायबिलिटी, जब बोलेगा तो भी हटाना, अदरवाइज नहीं हटाना। रिजर्व के बारे में भी बोलेगा तो ही हटाना, अदरवाइज नहीं हटाना, ठीक है ना? आइए ना, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 हम आज प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, और क्लास को हम बहुत अच्छी लेवल तक लेके चलते हैं। सोल्यूशन करेंगे आप बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको दिखे यहाँ पे, है ना? इसको मैं किनारे कर देता हूँ। सोल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 का। आज हमारी स्पीड मेरे बच्चे थोड़ी सी तेज रहेगी, लेकिन बिलीव कीजिए आज चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, पढ़िए जरा क्या बता रहा है। बैलेंस शीट कहता है, अब सत्यम लिमिटेड इज गिवन बिलो ऑन 31st March 2024, बैंक है, अदर एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, अदर लायबिलिटी आपका। प्रेफरेंस डिविडेंड कहता है मेरे बच्चे, आर इन अरियर फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड आपका पहले से बकाया है। देखो, मैं क्लास को आगे बढ़ाने के पहले एक बार फिर से एक शॉर्ट में रिविजन कराना चाहूँगा। लिखना बंद कीजिए, ये देखिए एक बैलेंस शीट आपका है, लिखना बंद करेंगे, एक बैलेंस शीट है मेरे बच्चे। बैलेंस शीट के अंदर में कई सारे नाम, जैसे कि आपका यहाँ पे मशीन है, जैसे कि यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका मान लो यहाँ पे कैश है, यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे सर लिखे हम नहीं, आप सुनिए मेरी बात, डिवेंचर्स आपके यहाँ पे है, क्रेडिटर्स हमारे पास यहाँ पे है, क्रेडिटर्स हमारे पास है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, आज मैं दोबारा आपको बता दूँ कि जब भी कोई एग्रीमेंट हो रहा है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इनको रिवैल्यू करना, इनके साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है,
और उस एग्रीमेंट में मेरे बच्चे इन वैल्यूज में अगर कोई चेंज आता है, इन वैल्यू में चेंज आता है, और चेंज इस तरीके से आता है कि बैलेंस शीट में आपका इम्पैक्ट आ जाए, मतलब बैलेंस शीट आपका टैली ना करे, तो आपका रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा। दोबारा सुनिए, दोबारा मैंने क्या बोला, मान लो यहाँ पे 10% डिवेंचर्स है, आप मुझे बताओ कि पहले यहाँ से आते हैं, मान लो मशीन यहाँ पे 5 लाख का है, बिल्डिंग आपका 8 लाख का है, कैश यहाँ पे 2 लाख है, मशीन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर गई, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, कैश इंक्रीज या डिक्रीज, तो मुझे बताओ कि एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा, एंट्री बनेगा। क्या रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा? ये सर, अगर सिर्फ एक में ही चेंज हुआ तो रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा, है ना, क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़ गया तो आपका बैलेंस शीट फिर टैली नहीं करेगा ओवरऑल, तो फिर हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। पर बच्चे अगर डिवेंचर मान लो 5 लाख रुपीज के बैलेंस शीट में है, 5 लाख के, और ये 10% डिवेंचर को हमने क्या किया, 8% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया, आप बताओ एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा, क्योंकि नाम चेंज हो गया, हम लोग 10% डिवेंचर को हटा के क्या बोलते हैं, 8% डिवेंचर अकाउंट। और अगर अमाउंट सेम रहा 5 लाख 5 लाख, तो एंट्री तो बनेगा बट रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आता। ये जो क्रिएटर्स मेरे बच्चे मान लो यहाँ पे 2 लाख के हैं, ये कहते हैं कि हम 40,000 से क्लेम कम कर देंगे, 40 से क्लेम कर देंगे, तो क्या हुआ कि एंट्री बनेगा और नाम रिकंस्ट्रक्शन का आएगा, बोलो हाँ ये सर। अगर मान लो क्रिएटर्स कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, 2 लाख का जो मेरा अमाउंट है ना, इसके बदले में क्या करो, आप 2 लाख रुपीज के हमें इक्विटी शेयर्स दे दो। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लायबिलिटी के रूप में नहीं रखना चाहते, अपनी लायबिलिटी खत्म कर देंगे, लेकिन जितने से लायबिलिटी खत्म करेंगे उतने का हमें शेयर्स दे दो, अगर इनके साथ ये एग्रीमेंट होता है। तो मेरे बच्चे क्रिएटर्स हमारे कितने से कम हो गए, 2 लाख रुपीज से। यहाँ पे दूसरा नाम क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, 2 लाख का। तो एंट्री तो बनेगा, एंट्री बना क्योंकि क्रिएटर्स कम हो गया और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, लेकिन क्या नाम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का आएगा, बोलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितने से क्रिएटर्स कम हो गए उतने से कैपिटल बढ़ गया, एक क्लेम 2 लाख से कम हो गया, 1-2 लाख से बढ़ गया, बैलेंस शीट तो अभी भी टैली कर रहा है। मैं तो बार बार आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एंट्री कब बनेगा, जब भी कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ चेंज हुआ, कोई भी चेंज हुआ, चेंज तो एंट्री बनेगा। रिकंस्ट्रक्शन का नाम कब आएगा? अगर वो चेंज इस तरीके से होता है कि बैलेंस शीट को टैली नहीं करने देता उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट के चलते, तो हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन का नाम लेकर आते हैं। यही बताया ना आपको, ये सर। अब तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आगे क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आखिर इतनी सारी बातें मैंने दोबारा क्यों बताया, सुनिए ध्यान से मेरी बात। मेरे बच्चे एक ऐसा चेंज हो जाए जिस चेंज के होने से एग्रीमेंट भी हो गया, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, ध्यान सुनिए, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिस एग्रीमेंट के होने से इस बैलेंस शीट में कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आया, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिस एग्रीमेंट के होने से बैलेंस शीट में मेरे बच्चे कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो आप बताओ कोई एंट्री पास होगी? सर आप कहते हो कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिस एग्रीमेंट से इस बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, ना नाम चेंज हुआ ना अमाउंट चेंज हुआ, तो उसकी हम क्यों एंट्री पास करेंगे, नो एंट्री विल पास। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एग्रीमेंट भी हो गया, मतलब किसी से कुछ माफी भी हमें मिल गया और वो बैलेंस शीट में इंपैक्ट भी ना डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो आप जानते हैं कि बैलेंस शीट के बाहर यहाँ पे नोट्स में आपके आते हैं एक नाम जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी आज नहीं है बट फ्यूचर में बन सकती है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट। तो मेरे बच्चे कोई भी लायबिलिटी जो कंटिंजेंट होती है वो बैलेंस शीट में नहीं आता, आप इस बात को जानते हैं। अब देखो मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी में एक नाम देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात, अभी दिमाग बिल्कुल शांत रखेंगे, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, 1 लाख रुपीज का ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 1 लाख है उस पर 12% रेट ऑफ डिविडेंड है। और मेरे बच्चे इस प्रेफरेंस शेयर पे पिछले 2 साल का 2 ईयर्स का मान लो डिविडेंड पे करना बकाया है। तो आप जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है, अगर मान लो किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नहीं पे करते, लेकिन वो अगले साल क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि अगले साल हम उसको पे करेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो।
अगले साल ही प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके अगले साल पे करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो। मान लो कहता है यहाँ पे कि आपका अरियर है, अरियर से आपको लिखना नहीं सुनना है, ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कहता है कि आपका अरियर है फॉर टू ईयर्स, दो साल का, मतलब कि 1 लाख पे 12% के हिसाब से 12,000, तो दो महीने का कितना हो गया बच्चे 24,000 इनको डिविडेंड पे करना बकाया है। इट्स ए कंडीशन डब्ल्यूटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड हम तब पे करते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है, अदरवाइज हम पे नहीं करते। अब मेरी बात सुनो, ये जो अरियर ऑफ डिविडेंड है ना, ये हमेशा आपका नोट में होता है, नोट में, बैलेंस शीट में नहीं होता। अब आपने यानी कि उस सीएमए ने क्या किया कि इनको बोला प्रेफरेंस वालों को कि प्रेफरेंस वाले आपका कर्ज कितना है कंपनी में 1 लाख का, वो कहते हैं कि 1 लाख ही छोड़ दो, हम इसमें चेंज नहीं करना चाहते। ये जो रेट आपका 12% है इसको ऐसे ही छोड़ दो, हम इसमें भी चेंज नहीं करना चाहते। मतलब आपके बैलेंस शीट में जो आइटम है हम उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि काम करो, ये जो आपका टू ईयर्स का डिविडेंड आपका बकाया है ना 24,000, इसको माफ कर दो, कंपनी के ऊपर में अननेसेसरी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हो गए हैं, आप एक काम करो इसको माफ़ कर दो ताकि कंपनी आगे रिवाइव होकर ना ठीक से काम करना शुरू कर दे, आप प्लीज इसको माफ़ कर दो। तो मेरे बच्चे इन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंस वालों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ये क्लेम ऐसे ही रहेगा, ये रेट ऐसे ही रहेगा आगे के लिए, लेकिन जो पिछले दो साल का लास्ट टू ईयर्स का जो डिविडेंड बकाया है मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। वो बोलते हैं कि माफ़ करता हूँ। मेरे बच्चे बताओ, आप एक बात बताओ कि प्रेफरेंस वालों को ने इस 24,000 का हमें क्या क्या माफ़ी दे दिया, आप मुझे बताइए इस 24,000 के माफ़ी देने से, इसको माफ़ी देने से इस बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट आया? बोलो, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके माफ़ी देने से बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट आया? नहीं आया, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अब आगे क्या होगा कि जो हम नोट में लिखा करते थे अब नहीं लिखा करेंगे। मेरे बच्चे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो बैलेंस शीट में किसी तरीके का इम्पैक्ट ना डाले, हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, वी डू नॉट पास एनी एंट्री फॉर दोज एग्रीमेंट्स, दो ट्रांजेक्शन आपका। लिखिए इसी बात को, या मैं सोचता हूँ कि पहले क्वेश्चन करा के इसके ऊपर में फिर आपको मैं इसका नोट कराऊँ, फिर इस पर नोट लिखाऊँ, ठीक है ना। तो आइए जरा आप पढ़िए मेरे साथ, अब आपको क्लियरिटी आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और इस क्वेश्चन से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन की शुरुआत करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं और आइए जरा आप बुकलेट के अंदर में, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना। बैलेंस शीट कहता है कि अब श्याम लिमिटेड का इज गिवन बिलो, बैंक है, अदर एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इक्विटी, प्रेफरेंस डिबेंचर, ठीक है, नीचे आइए। टू इयर्स का कहता है कि डिविडेंड बकाया है। मेरे बच्चे कहता है पॉइंट 1 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्रीड टू फॉरगो द राइट ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड। ये जो टू ईयर्स का डिविडेंड बकाया है ना, कहते हैं कि हम इसको माफ कर देंगे। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी, आओ ना साथ स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड का पॉइंट नंबर वन में हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे एक ऐसा चीज जो बैलेंस शीट में था ही नहीं, अगर उसकी माफी मिल जाए, उसको माफ कर दिया जाए, तो इट विल नॉट अफेक्ट एनी आइटम ऑफ द गिवन बैलेंस शीट, हेंस नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री। मैं यहाँ पे एक नोट ले देता हूँ, इसी में नोट फॉर रिविजन, ये रिविजन के लिए है, मतलब एग्जाम में ये नोट नहीं लिखना आपको, एग्जाम में तो बस नो एंट्री लिखना, नो एंट्री इज पास्ड फॉर those transactions oblique agreements which do not affect any item ऑफ गिवन बैलेंस शीट जो आपके बैलेंस शीट में कुछ भी इम्पैक्ट लेकर नहीं आएगा, है ना, कोई भी इम्पैक्ट लेकर नहीं आएगा, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लिखिए फॉर गोइंग मतलब माफ करना, फॉर गोइंग ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी, किसी भी तरीके का मेरे बच्चे कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर है किसी भी तरीके का, सिर्फ यही नहीं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आपका अरियर्स ऑफ
प्रेफरेंस डिविडेंड, यही नहीं अगर कुछ और भी अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे, किसी भी तरीके का कंटिजेंट लायबिलिटी है तो उसको माफ करने के हम कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं डालता, नहीं कोई चेंज करता नहीं आपको, है ना। तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई डाउट। एग्जाम में सिर्फ नो एंट्री लिख रहा है, ये आपके लिए है, नोट फॉर रिवीजन आपका, मैंने लिख दिया रिवीजन, यानी कि इसको बॉक्स में डालो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर, इट्स ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए पॉइंट नंबर टू पे आप आइए, पॉइंट नंबर टू सुनो ना क्या बता रहा है। क्रेडिटर्स अग्रीड टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कितने हैं? 3 लाख, क्यों कहते हैं भाई हम ऐसे ही बिजनेस करते रहेंगे। अगर मेरे बच्चे यहीं पे क्वेश्चन एंड कर देता ना, तो फिर तो हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि क्रेडिटर्स पहले भी 3 लाख, अभी भी 3 लाख, कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन वो बोलते हैं कि भैया बिजनेस कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, लेकिन इफ़ दे आर पेड 20% ऑफ देयर ड्यूज इमीडिएटली। वो कहते हैं कि सिर्फ 20% अभी पे कर दो। क्रिएटर्स कहते हैं कि आप 20% अभी पे कर दो तो हम आपके साथ बिजनेस करते रहेंगे। तो समझो ना इसका मतलब क्या निकल के आता। पॉइंट नंबर टू, मैं आपको वर्किंग के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास क्रिएटर्स है, ये जितने वर्किंग्स कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए मेरे बच्चे, एग्जाम में नहीं करना आपको। क्रिएटर्स टोटल कितने बैलेंस शीट में आपके? 3 लाख रुपीज, है ना। बैलेंस शीट में क्रिएटर्स कितने आपके हैं? 3 लाख रुपीज कमाओ, 3 लाख रुपीज। वो कहते हैं कि भैया अगर आप मुझे 20% अभी पे कर दो, 20% पेड इमीडिएटली अगर अभी पे कर दो, तो बाकी जो है ना, बाकी जो बैलेंस है हम वो माफ़ नहीं करेंगे, आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। मतलब बैलेंस विल बी पेड लेटर, बाद में पे कर देना, है ना। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें कोई माफ़ी नहीं मिल रही है। वो कहते हैं भैया जितना मेरा कर्ज है उसको 20% अभी पे कर दो। तो 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000। ये कहते हैं कि अभी पे कर दो, बाकी यानी कि जो 2,40,000 है वो कहते हैं कि लेटर यानी कि बाद में पे कर देना, बिजनेस हमारा आपके साथ चलते रहेगा। तो मेरे बच्चे हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? देखो ना, हमारे पास एंट्री क्या बनेगा, क्रिएटर्स 60,000 से कम होंगे, एंट्री लिखी अभी यहाँ पे, क्रिएटर्स जो हमारे हैं क्रिएटर्स वो कम हो जाएंगे। क्रिएटर्स बताइए बैलेंस शीट से क्रिएटर्स कितने से कम हो जाएंगे? 60,000। और हमने पे किया ना तो 2 कैश या 2 बैंक, जो भी करना चाहे, मान लो 2 बैंक से पेमेंट किया, तो आपका 60,000, ये एंट्री कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट। समझो मेरी बात ना, हमें अगर क्रिएटर्स माफ़ी देते हैं, कुछ फॉरगो कर जाते हैं, तो ठीक है जी, मान लो कहते हैं कि 3 लाख के बदले में सिर्फ 60 पे करो, बाकी हम माफ़ कर देंगे, तो क्रिएटर्स मेरे बच्चे 3 लाख से कम होता, बैंक से 60, बाकी आपका रिकंस्ट्रक्शन में जाता। बट उन्होंने माफ़ी कहाँ दी, वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में मेरा क्लेम कितना है? 3 लाख रुपीज। तो कहते हैं कि 3 लाख में 60 हमें पे कर दो, तो 60 हमने यहाँ पे किया, 60 हमारा ये भी कम हो गया। इससे क्या हुआ कि बैलेंस शीट तो टैली करेगा ना, 60 यहाँ कम, 60 यहाँ कम, और बाकी कहता है कि हम रखेंगे अपने इसी तरीके से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 60 को पे करने की एंट्री कर दी, और न्यू जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें क्रिएटर्स आपका 240 अभी दिखेंगे आपका, ठीक है ना। इसका मतलब निकल गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये आपका ये वाला आपको समझाने के लिए, एग्जाम में सिर्फ ये एंट्री करना है, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है आपका। आइए अब पॉइंट नंबर थ्री क्या बता रहा है। कहता है कि 12% डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 9% डिवेंचर। अब तो ये अब जानते हैं, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई 25। फेस वैल्यू बोल दिया कि वो भी 25 से कम हो रहा है। तो मेरे बच्चे एक तो पहले 12% डिवेंचर को हटाइए, क्योंकि जब रेट चेंज हो गया इसका मतलब कि हम पुराने डिवेंचर को हटाएंगे। 12% डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कीजिए, इसके जगह पे जो नया डिवेंचर है, जरा बताओ उसका नाम क्या है, नए वाला डिवेंचर का कितना परसेंट है? 9% डिवेंचर लिखिए, 9% डिवेंचर अकाउंट, है ना, 9% डिवेंचर अकाउंट। और देखो ना, फेस वैल्यू भी चेंज कर दिया हमने, मतलब क्लेम भी कम हो रहा है। डिवेंचर बैलेंस शीट में पहले कितना था? 5 लाख। तो 5 लाख का मतलब पहले 5,000 डिवेंचर्स थे। डिवेंचर्स कितने रुपए वाले? 100 रुपीज वाले। ये 5 लाख का अमाउंट हो गया। अब जो नया डिवेंचर्स इशू हो रहा है, डिवेंचर्स के नंबर तो आज भी 5,000 ही है, लेकिन मेरे बच्चे एक डिवेंचर कितने का है? 75 रुपीज का। 75 का हो गया ना, बोलो हाँ, क्योंकि 25 से कम कर दिया। तो 5,000 × 75 कितना होता है? आई थिंक 375। 50,000 × आपका 75, यस 3,75,000। ये 3,75,000 हो गया, और आपका जो 1,25,000 यहाँ पे आपका कम हो गया, ये कहाँ चला गया? 2 रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में,
है ना, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये बोलने का तरीका वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज में बोलेगा, बट मीनिंग यही निकल के आता है कि बैलेंस शीट में जो पहले 5 लाख था, अब वो कर्ज कम होकर 375 हो गया, तो नो डाउट कि हमें 125 का फायदा हो गया, दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई डाउट इसमें नहीं सर? देखो ना फोर्थ पॉइंट में क्या बता रहा है, फोर्थ में कहता है कि फेस वैल्यू, अब झगड़ा ही खत्म हो गया, फर्स्ट से फाड़ना, फेस वैल्यू कहता है ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹8। तो मेरे बच्चे अगर फेस वैल्यू चेंज हुआ, यानी कि आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में पहले कितने रुपए वाले थे, ₹10 वाले, आप उनको हटा दीजिए, अकाउंट डेबिटेड, और इसके जगह पे इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बताओ कि जो नए शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने रुपए वाले हैं, वो ₹8 वाले हैं, है ना, फेस वैल्यू आपका कम किया ना, तो आपका फायदा घाटा होगा ही होगा, वो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, है ना, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मुझे बताओ जल्दी से कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया, तो 4 लाख का अमाउंट है, आप यहाँ पे 4 लाख रुपीज डेबिट करेंगे, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 आपका। नए शेयर जो इशू हो रहे बच्चे है तो 40,000 ही, क्योंकि नंबर कम नहीं किया गया, बट 8 के हिसाब से 3,20,000 का, और ये जो आपको 80,000 का इसमें फायदा हो गया ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर? फिफ्थ पॉइंट पे सुनो ना मेरी बात, पांच बार पढ़ो। बिल्स पेबल वेर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। वो बैलेंस शीट में जो बिल्स पेबल 5 लाख के है ना, उन्होंने कहा कि भैया हमें आपका सर बिजनेस नहीं करना, मेरा पेमेंट कर दो, चलो आज हम 20% डिस्काउंट आपको दे देंगे, बट पेमेंट करो, हमें आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, हमने पे कर दिया मेरे बच्चे। तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट से हटा दीजिए, जब हमने उनको पूरा पे कर दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीज। लेकिन जो हमने पे किया, यानी कि टू बैंक अकाउंट जो हमने पे किया है, वो आपका कितना जी, 4 लाख रुपीज का अमाउंट, आपका 4 लाख का अमाउंट, क्योंकि 20% डिस्काउंट, यानी कि 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया, 4 लाख पे किया, और जो 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया, आहा, वो हमें फ़ायदा हो गया। बताओ ये फ़ायदा कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। होगी बात, कहाँ परेशानी, क्यों परेशानी होगी हमारे बच्चों को? आगे कहता है कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये जो आप जो इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको कंपनी ने पे किया, यानी कि कंपनी के पास से, कंपनी के लिए सोचना, 5,000 चला गया, ओहो ये तो लॉस हो गया, कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि बैलेंस शीट जो आपका पहले से टैली कर रहा था, उसमें से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, बट इसके जगह पे जो कैश कम हुआ, कुछ और भी कम हुआ बैलेंस शीट में, नहीं हुआ, तो फिर क्या, रिकंस्ट्रक्शन का नाम घाटा हो गया। फिर कहता बच्चे सेवेंथ पॉइंट में, कंपनी इशू 20,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। आओ ना सेवेंथ में नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू नया प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 20,000 शेयर से 10 रुपये वाले, यानी कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट, तो 2 लाख का अमाउंट हमने यहाँ पे आपका अरेंज कर दिया, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि बैंक भी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, दोनों से टैली कर रहा है, तो एंट्री तो बनेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में चेंजेज आ रहे हैं, बट रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा। फिर कहता है एट्थ पॉइंट में, ध्यान दीजिए ये अच्छा पॉइंट है आपका, एट्थ पॉइंट में कि सरप्लस इफ एनी विल बी यूटिलाइज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। कहता है कि भैया रिकंस्ट्रक्शन जो बनाओगे तो आपका दोनों साइड टैली नहीं करेगा, कुछ सरप्लस आएगा, अगर सरप्लस आता है तो अदर एसेट्स की वैल्यू को कम कर देना, ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा है, ठीक है। बट इसके पहले मेरे बच्चे, इसके पहले एक एंट्री हम क्या करते हैं एट्थ में, सॉरी एट में, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको राइट ऑफ कर देंगे, बोले तो भी ना बोले तो भी। तो हमने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसके बाद इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कितने रुपये का बैलेंस शीट में अमाउंट है, ये आपका 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज से हमने ये एंट्री पास कर दिया, 3 लाख रुपीज से। इसके बाद मेरे बच्चे एक एंट्री वो जो बोलता है कि सरप्लस कुछ आएगा तो आप उसको अदर एसेट से कीजिए, इसका मतलब मैं बता दूं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स में हमें बनाना होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट,
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आता है। फर्स्ट में हमने कोई एंट्री पास नहीं किया था, फर्स्ट में कोई एंट्री पास नहीं हुआ था तो रिकंस्ट्रक्शन तो आएगा नहीं। सेकेंड वाले में देखिए कहीं पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। थर्ड में 1,25,000 का तो आपको फायदा हुआ था, है ना, क्लेम कम हुआ था बाय 12% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट 1,25,000 का, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे आपका ये देखो, इक्विटी शेयर में आपको 80,000 का फायदा हुआ था तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ भी हमें फायदा हुआ था कितने का जी, 80,000 का, ये भी ठीक हो गया आपका। यहाँ पे 1,00,000 का फायदा आपको हुआ था बिल्स पेबल पे, तो बाय बिल्स पेबल आपको 1,00,000 का फायदा यहाँ पे हुआ था। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक आपको 5,000 का घाटा हुआ था, वो जो एक्सपेंसेज हमने पे किया था, ठीक है ना। फिर बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल कोई घाटा फायदा नहीं है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को हमने राइट ऑफ किया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, और इस पे हमें घाटा हुआ था कितने का, 3,00,000 रुपीज का, क्लोज कीजिए, जब दूसरी कोई एंट्री नहीं है। आपको पता है कि ये हमारा घाटा साइड होता है और ये हमारा फायदा होता है, सारे फायदे यहाँ पे, टोटल फायदा कितना हो रहा है, 3,05,000, देख रहे हो अपना 3,05,000 का आपको टोटल फायदा हो गया, 3,05,000 का। पर बच्चे 3,05,000 का टोटल फायदा हुआ बट घाटा कितना, 3,05,000, ओहो ये क्या हुआ, 3,05,000 का फायदा, 3,05,000 का घाटा, दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। इसलिए वो जो कह रहा है कि सरप्लस इफ एनी, अगर सरप्लस आता है, कोई आया ही नहीं। सरप्लस कब आता है, जब यहां पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आता, कुछ बैलेंसिंग फिगर आता, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोल रहे थे, टू अदर एसेट्स, टू अदर एसेट्स, देखो ना बैलेंस शीट में अदर एसेट्स कितना, 18,00,000 का, तो उस 18,00,000 का जितने से भी यहां पे बैलेंसिंग फिगर आता उतने से आपका वैल्यू कम कर देते हैं और उसकी एक एंट्री यहां पे पास हो जाती है। बट क्योंकि दोनों से टैली कर गया, कोई बैलेंसिंग फिगर आए नहीं, तो यहां पे आपका कोई भी एंट्री अलग से नहीं बनने वाला। मेरी बातें समझ रहे हो ना, रिकंस्ट्रक्शन टैली करेगा, नहीं टैली करेगा वो तरीका बताएगा कैसे टैली करना है, अगर वो भी ना बताए तो यहाँ पे कैपिटल जर, यहाँ पे हम क्या गुडविल लिखते हैं, काम खत्म आपका, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। कहता है मेक एंट्रीज, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, मेक एंट्रीज एमपीपी रिडक्शन अकाउंट, आपको पता है रिडक्शन अकाउंट मतलब कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए, ब्रैकेट में रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, ये सीएमए फाइनल में कभी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो वो मैंने आपको करा दिया। आइए ना थोड़ा और हम अच्छे लेवल पर चलते हैं, क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाएंगे एंड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी शक्तियां, आपके जोश, सबको यहां पे आपको कंट्रोल करके कूल माइंड करते हुए आपको फोर्थ क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना होगा। बिलीव कीजिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है ना बच्चे वो हमारा थोड़ा और बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, वही कब रिकंस्ट्रक्शन आता है, कब नहीं आता, कब एंट्री बनता है, तो बिलीव कीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो ना मेरे साथ फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, आज मैं थका हुआ लग रहा हूं, शायद आपको नहीं फील होने दूंगा। हम जो सीएमए होते हैं ना बच्चे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहे हैं, जब हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे अंदर में एक ऐसी एनर्जी अपने आप आ जाती है ना जो कभी हमें थकने देती ही नहीं है। और आप फील करोगे जिस दिन डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आप इंडस्ट्री में जाओगे काम करने के लिए, तो काम करते करते आपको और मन करेगा और काम करूं, और काम करूं, और एक्सपीरियंस गेन करूं, और चीजें लेकर आऊं, क्योंकि वो एक पल होता है जिसमें कि आपको बस मन करता है और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितने काम सीखेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितनी नई नई कंपनी को हम ज्वाइन करेंगे, उतना हमारा पैकेज क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। तो फिर क्यों ना करें जी, एनर्जी आई ना बदमाश। और एक बार जब आप किसी कंपनी के टॉप पे पहुंच जाते हो ना, वो सारी ख्वाहिशें, मैं तो देखता हूँ मेरे साथ कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कि कई सारी कंपनी के टॉप पोजिशन में टॉप चीज को, टॉप डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर में एक ख्वाहिश जो हमेशा बना रहता है कि यार अब मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं। वो उनको ये नहीं मतलब रहता कि यार अपना स्टार्ट करने में कितना मेहनत है, वो नहीं जानना चाहते, बस अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कुछ ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे होगे कि मैं कहाँ पे इशारा करना चाहता हूँ, क्यों यार, क्यों मैं किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करूँ, क्यों, मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम है कंपनी को क्रिएट करना, ब्रांड को क्रिएट करना, वो काम क्यों ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक दिन, हर एक रात जब आप सोते हैं, जगते हैं,
तो आपकी जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा वो आपको झकझोरे कि हमारे संतोष सर ने ये कहा था कि आप अपने ब्रांड क्रिएट करो, अपना ब्रांड यार, जो भी करो। पता होता क्या है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, कोई भी बिजनेस, तो आप अंबानी के तो बेटे हो नहीं या बेटी हो नहीं, आप अजिम प्रेम जी टाटा बिरला के भी बेटे बेटी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं बता दूँ आपको। तो हमारी जो शुरुआत होती है ना बिजनेस की, वो छोटे लेवल से होती है। हम लोग कभी भी बहुत बड़े मतलब बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं। लेकिन सपना वही होता है कि ये जो है ना, ये जो जिनका नाम लिया वो उल्टे सीधे लोग, अंबानी बिरला पता नहीं क्या क्या, इनको पीछे कर जाऊं। ये लगा नहीं, ये सोच जो हमारे अंदर होता है ना कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इनसे आगे निकलना, ब्रांड बनाना है। जब दिन रात आप इस पर लग जाते हो ना बच्चे, जी जुनून के साथ, तो कोई दुनिया की ताकत आपको ब्रांड बनाने से रोक नहीं सकती। मैं इस बात का बहुत अच्छा आपके लिए गवाह हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊँ, कभी आइए जब मिलेंगे हम दोनों, आपके डिग्री कंप्लीट होने के बाद तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, है ना, क्या स्ट्रगल होता है और आप क्या स्ट्रगल जानते हो, स्ट्रगल तो हम लोगों ने किया है। खैर आइए पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अरे देखो ना फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्यों बार बार नीचे गिर जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो जरा, बैलेंस शीट कहता है कि 31 मार्च 1993, बहुत पहले का क्वेश्चन, सीएम एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन लगा मैंने रख लिया यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट्स आपका 11,40,000 के हैं, पेटेंट्स कॉपीराइट बता रहा है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 65 उसके मार्केट वैल्यू, ये तो आप जानते हैं आप। स्टॉक डेटर्स बैंक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैं पहले बता दूं प्रॉफिट लॉस को मैं हटा दूंगा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, बाकी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स तभी हटाते जब क्वेश्चन बोलेगा, नहीं तो फिर नहीं हटाएंगे। इधर इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच 5 पेड अप, ध्यान से ₹10 के शेयर्स हैं बट पेड अप 5 है उनका, अभी जो सिचुएशन दिख रहा है। 6,000 जो प्रेफरेंस शेयर से ₹100 वाले हैं, 6 लाख का अमाउंट, डिवेंचर भी कहता है 6 लाख का है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,08,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है कि 150 है, एक्रूड इंटरेस्ट कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे 15 है, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स कहता है कि 69,000 का अमाउंट। टैली कर रहा है ना, एक बार चेक कर लूँ फिगर, थोड़ा मुझे इधर उधर दिख रहा है, 24,58 प्लस 15,000 एंड प्लस 69,000, यस ठीक है टैली कर रहा है। नीचे कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 1 ईयर, एक साल का डिविडेंड बकाया है मेरे बच्चे, ये बैलेंस शीट के बाहर का आइटम है, इसको माफ कर दिया जाए तो वी डू नॉट पास एंट्री, क्योंकि माफी देने से बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आता। सर माफी ना मिले तो देखेंगे, आगे पढ़ो। पॉइंट वन कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, जो प्रेफरेंस वाले हैं ना अपने क्लेम को, जरा बताओ बैलेंस शीट में कितना क्लेम है प्रेफरेंस वालों का, बैलेंस शीट देखिए 6 लाख रुपीज, और डिविडेंड कितना बकाया है 1 ईयर का आपका 6 लाख पे 8% 1 ईयर का 48,000, तो टोटल क्लेम जो प्रेफरेंस वालों का है वो 648 है, जिसमें 6 लाख बैलेंस शीट में है, 48 नीचे बाहर में आपका है। कहता है कि भैया ये अपने क्लेम को गिव अप करने को तैयार है, इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड भी छोड़ने को तैयार है टू द एक्सटेंड ऑफ 30% तक, पूरा नहीं, वो कहते हैं भैया 30% छोड़ने को तैयार हूँ एंड डिजायर टू बी पेड, बोलते हैं भैया 30% क्लेम छोड़ दूंगा बशर्ते कि मेरा बाकी पे कर दो, अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना, आपने बहुत हमें परेशान किया, आप माफी दो हमें, पेमेंट करो हम निकलेंगे। बोले ठीक है, अभी एंट्री मत सोचना, क्वेश्चन पढ़ो। पॉइंट नंबर टू, डिवेंचर होल्डर अग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट बींग इनहेंस टू 12%, कहते हैं भैया पॉइंट टू में डिवेंचर होल्डर में देखो बैलेंस शीट में रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, वो कहते हैं कि 9% को इंक्रीज करके 12% कर दो, अगर आप ये कर दोगे तो जो मेरा इंटरेस्ट अभी बकाया है ना, देखो ना बैलेंस शीट में इंटरेस्ट कितना बकाया है डिवेंचर पे 1,08,000, वो कहते हैं कि वो छोड़ दूंगा। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे, बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स बींग पेड ऑफ एट वंस, अगला क्रिएटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर पेड इमीडिएटली, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट एंड डेटर्स ऑफ 30,000 टू बी रिटर्न ऑफ, इतना हमें हटाना है। फिक्सड्स को राइट डाउन किया गया 34,000 से, इन्वेस्टमेंट आर टू रिफ्लेक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, इक्विटी शेयर होल्डर सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट, जो इक्विटी वाले हैं ना वो अपने राइट को कम करने को तैयार, राइट का मतलब होता है पेड अप वैल्यू,
अपना जो राइट है, मतलब जितना हमने पैसा पे किया उस कंपनी में, हम उसको कम करने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड द पेड अप वैल्यू, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स, आपका फेस वैल्यू कम करने से राइट कम नहीं होता, क्योंकि शेयर्स उतने ही रहते हैं। राइट कम मतलब कि पेड अप वैल्यू, तो वहाँ पे राइट के ऊपर हम पेड अप वैल्यू कम करने की बात करते हैं। अब इसका मतलब बाद में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कहता है कि 3350 है। ड्राफ्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग दैट स्कीम हैज बीन पुट थ्रू फुल्ली विद द इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश टू पे ऑफ द पार्टीज एंड टू लीव अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 30,000 एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। पता है बैलेंस शीट बनाना बड़ा टफ है यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ इस पर बनाने का, बट क्योंकि ये जो पूरा ये क्वेश्चन सारे एस वाले, जब एस आपका के बेस्ड क्वेश्चन सब आपके हैं जब पहले के एग्जाम में आए हुए, तो आइटम्स का नाम भी उसी तरीके से दिया। बट एनीवे कोई बात नहीं, हम इसको बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे, चिंता नहीं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाऊंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। लीजिए मैं इसको हटा दूँ और इसको पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप आइए जरा एक बार, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत प्यार तरीके से कराएंगे, स्लो कराऊंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। ये लीजिए 4th क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1 पे आप आइए। पॉइंट नंबर 1 कहता है, पॉइंट नंबर 1 में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर शू गिव अप देयर क्लेम। जरा बताओ प्रेफरेंस वालों का क्लेम कितना है। अब प्रेफरेंस वाले का दो क्लेम है, एक कैपिटल और एक डिविडेंड, तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरे बच्चे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं वर्किंग दिखा रहा हूं एक्चुअली अभी आपका वर्किंग। एग्जाम में अगर आपको मन करे वर्किंग बनाने का जैसे मैं बना रहा हूं, तो आप उसको वर्किंग नोट्स में या रफ में बना लेना, बट सारी एंट्री एक साथ करेंगे, बट मैं समझा रहा हूं इसलिए। मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है। ये आपका 6 लाख का अमाउंट है, ठीक है। प्लस इनका जरा बताओ अरियर्स ऑफ डिविडेंड कितना है, देख लो पहले आप। ये समझा रहा हूँ बच्चे, ये एग्जाम का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अरियर्स कितना है 1 ईयर का, तो 1 ईयर का कितना हो गया, मतलब 48,000। ये दो आइटम प्रेफरेंस वालों का है, ये दोनों मिलकर उनका क्लेम हो गया। मैं एंट्री करते समय पहले इसको लेता हूँ। पता है ये जो 6 लाख का अमाउंट है ना, ये 6 लाख में कह रहा है क्वेश्चन में, 6 लाख में कि प्रेफरेंस वाले जो है अपना गिव अप यानी कि फॉरगो यानी कि माफ करने को तैयार है, कितना 30%, बशर्ते कि जो बैलेंस है बैलेंस पेड ऑफ कर दो, मतलब आप उनका पेमेंट कर दीजिए। 6 लाख का 30% वो माफ करने को तैयार है, बशर्ते कि कहते हैं कि बाकी आप यानी कि कितना हो गया, 6 लाख से 30 तो आपको कितना हो गया जी, बाकी आपको कितना हो गया 70%, 4,20,000 वो कहते हैं कि इतना हमें पेमेंट कर दो, ठीक है। यही नहीं, वो डिविडेंड के बारे में भी यही कह रहे हैं मेरे बच्चे, डिविडेंड के बारे में भी यही कह रहे हैं कि पूरा डिविडेंड माफ नहीं करूंगा मैं, इसका भी माफ करने को तैयार हूं फॉरगो, कितना 30%, यानी कितना हो गया 48,000 का 30%, 48,000 का। अभी दिमाग में ई फॉर्मत लेके आओ, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। पहले ध्यान से मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट सेशन टाइम पे हो ना, बट डाउट उठने नहीं दूंगा। ये आपका कहते हैं कि डिविडेंड जो आपका उसका 30% माफ कर देंगे, बशर्ते कि जो 70% है 48,000 का 70% कितना 33,600 बैलेंस जो है वो कहते हैं कि हमारा पे कर दो, बैलेंस पेड ऑफ हमारा पे कर दीजिए, यानी कि 70% का अमाउंट जो निकल के आ रहा कितना 33,600। ये क्वेश्चन बोल रहा, अब पढ़ लो जरा फिर से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 आपको यही बोल रहा है या कुछ अलग बोल रहा है, पढ़िए पॉइंट नंबर 1, सिर्फ लैंग्वेज और कुछ भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस वाले मेरे बच्चे अपना कैपिटल और डिविडेंड दोनों में से क्लेम छोड़ने को तैयार है, कितना 30%, यानी कि इसका भी 30%, इसका भी 30%, बशर्ते कि डिजायर टू बी पेड ऑफ, बाकी कहते कि हमें पे कर दो। तो मुझे आपको समझाने के लिए मैं एंट्री अलग अलग दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 में पहले नंबर ए एंट्री कीजिए, पॉइंट नंबर 1 में एंट्री नंबर ए पहले इनकी एंट्री कर लो। आप एक काम, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस वालों का पूरा नाम क्या है, 8%, तो आप एक काम करो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टार्ट कीजिए मेरे साथ लिखना, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए बैलेंस शीट में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए का अमाउंट था, 6 लाख का।
आप पूरे 6 लाख रुपीज से आप इनको क्या करेंगे, हटा देंगे, पूरे हटा रहे हैं। क्योंकि 6 लाख से मेरे बच्चे आप जो पे कर रहे हो ना टू बैंक अकाउंट, आप जो पे कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, वो हम कितना पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग हाउ मच, तो 4,20,000, 420 का हमने पेमेंट कर दिया। और जो फॉरगो हो गया, माफी मिल गई, वो कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कितने की माफी, तो आपका 6,30,000 यानी कितना हो जाएगा, 1,80,000 का अमाउंट। तो ये 180 आपका यहाँ पे चला गया। अभी आप इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में ये देखो मेरे हाथ, ये देखो नजर यहाँ, नजर यहाँ, ये हमारा एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से कितना कम हो गया, 6 लाख रुपीज। 6 लाख के बदले में आपने पे कितना किया, हमने पे किया कितना जी, 420। तो एसेट्स कितने से कम हुआ, 420 से। क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है, नहीं टैली कर रहा है। जब भी टैली नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वही हमने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन दिखा दिया, है ना, ये हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए ये ए एंट्री हुआ, अब हम वहां पे आ रहे हैं बी, बी में अब ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चे। पहले तो ये 48,000 जो है वो बैलेंस शीट में नहीं है, ये हमारा बैलेंस शीट है। और ये 48 कहाँ है, नोट में, यहाँ पे लिखा हुआ 48,000, ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है। आप देखो इस 48 जो नोट में है उसका 30% फॉरगो कर दिया गया, माफ कर दिया गया। तो मुझे बताओ जरा कि फॉर 30% ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है उसके 30% के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, विल पास नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगा, कोई एंट्री नहीं बनेगा इसके लिए मेरे बच्चे, कोई एंट्री नहीं। क्योंकि इसमें से अगर हम 14,400 रुपीज माफ कर देते हैं तो ठीक है, बैलेंस शीट में थोड़ा ही कोई इंपैक्ट आया, ये तो नोट में लिखा था, नोट वाली लाइबिलिटी क्या होगी, 14,400 से कम हो जाएगी। इसके कम होने से मेरे बच्चे बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आया, वी डू नॉट पास एनी एंट्री, मैंने पीछे भी आपको बताया था। थोड़ा सा स्माइल करो ना बदमाश, थोड़ा सा कि आप जानते हो इस बात को। अरे सर स्माइल छोड़ो, इसका बताओ, अरे बताना क्या है, सी, सी एंट्री। अब देखो ये बाकी जो अमाउंट बच गया ना, कंटिजेंट लायबिलिटी 33,600 रुपीज, ये आपको पे करना पड़ा, ये माफी नहीं मिली, बोला कि नहीं आप हमें पे करके ये भी खत्म करो, ये पे करना पड़ेगा, माफी नहीं दूंगा। तो अगर आपने ये पे किया तो बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट आया, यस आया, हमारा कैश क्या होगा, 33,600 से कम हो जाएगा, हमें पे करना पड़ेगा, इस साइड कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो नोट में है ना बच्चे वो लायबिलिटी खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि जो बाकी अमाउंट है यानी कि फॉर आपका 70% ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड आपका है 70%, हम उसकी तो एंट्री पास करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे हमारे पास से पैसे आ जा रहा है, टू बैंक या टू कैश कुछ भी लिख सकते हो, बैंक लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना हम पे कर रहे हैं, 33,600 रुपीज। और क्योंकि बैंक से पैसा चला गया, बैलेंस शीट में आपका क्या हुआ, कैश कम हो गया और कहीं इंपैक्ट नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, तो हम क्या करेंगे, ओहो ये तो घाटा हो गया, और इस घाटे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्योंकि मेरे बच्चे ये घाटे फायदे जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन ही होता है फ्रॉम द बैलेंस एंड द अमाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में कितना है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कितना, हम उससे कंपेयर करते हैं। अरे बोलो ना, हाँ बदमाश, इसमें इसमें आप ऐसे क्यों मतलब परेशान हो रहे हो कि सर पता नहीं कितनी बड़ी बातें बता रहे, कहाँ कोई बड़ी बात बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, आपका आप प्लीज कॉपी कर लें। सर एग्जाम में हमें ऐसा लिखना होगा, एग्जाम में मेरे बच्चे ये तो एंट्री बनेगा ही बनेगा, ये एंट्री आप अगर बेशक नो एंट्री लिख दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ ये एंट्री कर दोगे तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि बाकी कोई एंट्री नहीं बना है, तो आपकी मर्जी, कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वन में 3 एंट्री मतलब या 2 एंट्री कह दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा समझदार होता है, इस बात को आप मानेंगे। अब पढ़ लो आप पॉइंट वन, अब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि प्रेफरेंस होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट 30% डिजायर टू बी पेड ऑफ, हो गया हमारा। पॉइंट नंबर टू पे आइए, पॉइंट नंबर टू के ऊपर में आपको मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, पॉइंट नंबर टू यहीं पर दिखाऊंगा आपको, पॉइंट नंबर टू पे आप आएंगे। कोशिश करो एक पॉइंट में जितनी एंट्री बने उसी में आप दिखाइए। टू में कहता है डिवेंचर होल्डर अग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू इंटरेस्ट, वो जो बैलेंस शीट में डिवेंचर का इंटरेस्ट बकाया है ना बच्चे कितना, 1,08,000, वो कहते हैं मैं फॉरगो कर जाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा, बशर्ते कि वो कहते हैं कि आप एक काम करो कि मेरा जो आपका इंटरेस्ट रेट जो बैलेंस शीट में पहले से 9% है ना
उसको क्या करो 12% कर दो। सर आपने पिछली क्लास में कहा था कि रेट कम होगा, ये तो बढ़ा रहे हैं। अरे आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो और क्यों आप इमोशनल हो जा रहे हो, क्यों इतने इमोशन में आ जा रहे हो? ये रियल लाइफ नहीं है मेरे बच्चे, वो तो एग्जाम में आपको मार्क्स लेना है, जो बोलेगा उसकी एंट्री पास करो ना। इतने इमोशंस में आने से थोड़े हम सीएमए बन के कुछ काम कर पाएंगे। आइए टू में पहला एक काम करो, वो कहते हैं कि रेट मेरा जो 9% उसको 12% कर दो, तो कर दो 9% डिवेंचर जो बैलेंस शीट में है उसको हटा दीजिए, 9% डिवेंचर क्योंकि रेट चेंज हो रहा है उसको हटाइए और नया डिवेंचर क्या आ जाए 12% डिवेंचर अकाउंट। ये जो डिवेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं बता रहा, वो बस बोलता है कि 9 को 12% कर दो। तो बैलेंस शीट में जो डिवेंचर हमारा 6 लाख का था वो 6 लाख ही है, लिखो ना यहाँ पे 6 लाख और यहाँ भी 6 लाख का अमाउंट। हाँ इसके बदले में वो क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में मेरा जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,08,000 है वो माफ कर देंगे। तो आओ ना लिखो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी आपकी 1,08,000 है, ये कंटिजेंट नहीं बच्चे बैलेंस शीट में है, वो खत्म हो गई तो कहाँ चला जाएगा फायदा? आहा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। मानता हूँ कि अब फ्यूचर में हमें अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाई कर दिए, बट इतना जो इंटरेस्ट बकाया था वो तो माफ़ी मिल गई, जो माफ़ी मिल गई आहा कहाँ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में? बोलो हाँ। थर्ड में आप आइए, थर्ड पॉइंट बहुत ही प्यारा है, कहता है कि बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स बीइंग पेड ऑफ एट वंस। एक काम कीजिए अपने रजिस्टर या बुक में मतलब नोट में इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स बीइंग पेड ऑफ एट वंस, इसको कीजिए अंडरलाइन, इन कंसिडरेशन ऑफ इट्स बींग पेड ऑफ एट वंस को कीजिए अंडरलाइन इन कंसिडरेशन। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं, जरा बैलेंस शीट देख के बताओ कि बैंक लोन कितना है, बैंक लोन बैंक ओवरड्राफ्ट 150, मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में जो बैंक ओडी है वो 1,50,000 है और इस पे जो आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है बैंक ओडी पे कितना बता रहा आपका एक्रूड इंटरेस्ट 15,000। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है आपका बैलेंस शीट में वो कितना है 15,000। अब पढ़ो क्या बता रहा है, वो कहते हैं कि भैया हम 50% ऑफ इंटरेस्ट माफ कर देंगे, ये जो इंटरेस्ट है ना बच्चे इसका 50% वो कहते हैं कि हम फॉरगो यानी कि माफ कर देंगे, बशर्ते कि जो मेरा बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस कितना बच गया? तो आपका एक तो ये बच गया आपका, अगर हमने 50% माफ किया तो बैलेंस कितना बच गया 7500। और ये जो पहले से आपका ये अमाउंट था ये कहता है कि पेड ऑफ, ये हमें पेड ऑफ एट वंस यानी कि अभी कभी ये सारा का सारा हमें पेमेंट कर दो, पेड ऑफ एट वंस एक ही बार में क्या करो हमें पेमेंट कर दो। अब पढ़िए क्या बता रहा है, लैंग्वेज है मेरे बच्चे और कुछ भी नहीं, अगर लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने आता है तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिकॉज देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट एट ऑल। नाउ पढ़ेंगे आप, क्रिएट बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्रूड उसका 50% मैं छोड़ने को तैयार हूं। कहता है कि इन कंसिडरेशन, इसके बदले में वो क्या बोल रहे हैं ऑफ इट्स बींग पेड ऑफ एट वंस यानी कि बैंक का पूरा जो बाकी अमाउंट है हमें क्या करो पेड ऑफ एट वंस यानी कि एक बार में पे कर दो। तो ठीक है एंट्री करते हैं, आप या तो अलग अलग कर लो या फिर इकट्ठा कर लो, आपकी मर्जी, में इकट्ठा करके इसका दिखा देता हूँ, ऐसा आप अलग भी कर सकते हैं। बताओ बैलेंस शीट से कौन कौन से नाम हट रहे हैं, तो बैलेंस शीट से मेरे बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट, लिखो ना एंट्री, बैलेंस शीट से एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, कितने का 1,50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्या आपका डेबिट हो रहा है एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि बैलेंस शीट से जो एक्रूड इंटरेस्ट है बच्चे वो भी पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, ये भी लायबिलिटी खत्म हो रही है। इस 165 में से जरा बताओ टू बैंक मैं अभी पे कितना कर रहा हूँ, अभी पेमेंट कितना जा रहा है, सिर्फ आपका
सॉरी पे कितना कर रहे हैं, 1,57,500। हम इनको 1,57,500 का पेमेंट कर रहे हैं और जिसके चलते वो हमें जो माफ़ी दे रहे हैं आहा, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, बताओ वो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में कितना जी, 7,500 का अमाउंट है ना बच्चे, ये हमें माफ़ी मिल गई। तो जो माफ़ी मिल गई दैट वी ट्रांसफर टू कहाँ, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट, काम कम्प्लीट हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप चाहो तो अगर अलग एंट्री करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक अकाउंट कर दो, एक्यूरेट इंटरेस्ट टू बैंक 75 टू रिकन्स्ट्रक्शन, तब भी कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग यही निकल के आना चाहिए। कोई डाउट इसमें नहीं सर। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, फोर्थ पॉइंट में आपका, अब आइए फोर्थ पॉइंट में, इसको मैं हटा दूं। फोर्थ पॉइंट में आप आइए, मैं इसी के पैरेलल में एंट्री दिखा देता हूं यहां पे, है ना, इसको हटा दूं मैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं अब, ताकि इसी के पैरेलल में एंट्री बन जाए यहां पे, ठीक है। लिखो ना यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है। फोर्थ पॉइंट में कहता है कि क्रिएटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर पेड इमीडिएटली। ये तो आप अब जानते हैं, हमने पिछले वाले में भी किया था, क्रिएटर्स अकाउंट। किसी भी क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट ही अच्छे होंगे, बाकी सब बकवास बकवास। टू बैंक अकाउंट, और जो 5% की माफी मिल रही है दैट विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, है ना, माफी मिल गई, फायदा हो गया। आहा, तो बताओ बैलेंस शीट में क्रिएटर्स कितना है आपका, 69,000। 69,000 से आपने क्या किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उमर बच्चे आपका यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है ना 5%, तो बताओ 69,000 का 5% कितना हो गया, 3,450। तो 3,450 का आपको यहाँ पे अमाउंट चला गया 50, और आपका बैंक में कितना, तो 69,000 से माइनस कीजिए तो 65,550 का अमाउंट आपका। ये भी एंट्री कम्प्लीट हो गया, फोर्थ एंट्री कम्प्लीट, फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ में आइए, पांचवें वाले में, वो खुद कह रहा है मेरे बच्चे पांचवें में कि प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को हटाइए टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ना बोलता तो भी मैं आपका प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को हटाता, ना बोलता तो भी, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, हमने क्या बोला, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हटा दो, इसके साथ साथ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट आपका इनटेंजिबल एसेट्स है, ये तभी हटाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा, है ना, अदरवाइज नहीं। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस हो गया ये। और कहता है कि डेटर्स भी कम कर दो, बट डेटर्स कितने से, 30,000, उसका अमाउंट कोट किया है, बोला पूरे से नहीं, सिर्फ 30,000 से कम कीजिए, ठीक है। बताओ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट बैलेंस शीट में कितना है, 80,000, तो ये आपका 80,000 हो गया, ये 30 हो गया, एंड प्रॉफिट लॉस कितना है, 4,08,000। इन सबको हमें हटाना है, तो बताइए जरा 4,08,000 प्लस 80,000 और प्लस आपका 30,000 कितना हो गया, 5,18,000। ये 5,18,000 से हमने ये एंट्री पास कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, ये भी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या बता रहा है, फिक्स्ड एसेट्स कहता है कि 34,000 से कम कर दो, तो सिक्स में आप बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कितने से बोल रहा कम करने को, 34,000, ये लीजिए आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट आर टू रिफ्लेक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू, 7th पॉइंट पर बच्चे, इन्वेस्टमेंट को कहता है कि रिफ्लेक्ट करना है एट देयर मार्केट वैल्यू, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताइए इन्वेस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू कितना हो गया, तो इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में जो 65 था, मार्केट वैल्यू 55 हो गया, यानी कि 10,000 से हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को यहाँ पे कम कर देंगे, ये भी हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे 8th पॉइंट पे आप आ जाइए, 8th पॉइंट पे, और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप समझ भी रहे हैं, जितना ये चैप्टर टिपिकल होगा उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। 8th में कहता है कि टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, इक्विटी शेयर होल्डर सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट। मेरे बच्चे इक्विटी वाले
अपने राइट यानी कि पेडा वैल्यू को कम करेंगे, बट कितने से कम करेंगे बोलता है भैया वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। यानी कि एक एंट्री यहाँ पे जो आने वाला है वो एंट्री आने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, पेड अप कम हो रहा ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये एंट्री आने वाला है। लेकिन ये एंट्री कितने से होएगा वो आपको क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा है, मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन में लेकर आना चाहता हूँ। पता है क्या होने वाला होगा, ये बोलेगा कि भैया आप एक काम करो, आप बना लो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, आप बना लो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और ये कन्फर्म्ड टैली नहीं करेगा, ये टैली नहीं करेगा है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि घाटा ज़्यादा हो रहा होगा, फ़ायदा कम हो रहा होगा। तो इक्विटी वालों ने कहा होगा कि भैया पहले घाटा अपना रिकॉर्ड कर लो, फ़ायदा रिकॉर्ड कर लो, जितने से आपको रिक्वायरमेंट होगी उतने से मेरा पेड वैल्यू कम कर देना ताकि आपका काम पूरा हो जाए, ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब इक्विटी वाले बिल्कुल ओपन हैं कि ठीक है जी आपको अपने घाटे फायदे देख लो, जितने से रिक्वायरमेंट होगी मेरे पेड वैल्यू को कम कर देना ताकि आपका कंपनी अब आगे बढ़ जाए, बट वो कितने से होगा हमें उसको निकालना, निकाल लेंगे आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मेरे बच्चे 8 में ये पॉइंट नंबर ए हो गया। बी में आपको कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंसेज हुए हैं रिकंस्ट्रक्शन पे और वो अमाउंट कितना बता रहा है आपको यहाँ पे 3350, ठीक है 3350 ये भी रिकॉर्ड कर लिया, 3350 ये भी रिकॉर्ड हो गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, कहता है कि ड्राफ्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी कर लेंगे, कर लिया आप क्या कर क्या लेंगे कर लिया, एज्यूमिंग दैट स्कीम हैज बीन पुट थ्रू फुल्ली विद द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि जो स्कीम ये काम करने के लिए मतलब जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा हम इक्विटी वालों के थ्रू करेंगे। ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश टू पे ऑफ द पार्टीज, ये क्या, ये इक्विटी वालों से हम पैसा क्यों मंगा रहे हैं, इक्विटी वालों से पैसा क्यों मंगा रहे हैं ये बाद में सवाल करना, पहले देखो कि इक्विटी वालों से पैसा हम मंगा भी सकते हैं कि नहीं मंगा सकते हैं। जब हमने बैलेंस शीट देखा मेरे बच्चे तो बैलेंस शीट में 2 लाख इक्विटी शेयर से ऑफ रुपीज 10 ईच लेकिन 5 पेड अप, अभी जो हमारी इक्विटी है 10 रुपीज वाले और अभी तक उन्होंने कंपनी को 5 ही दिया है, यानी कि पर शेयर 5 रुपीज में उनसे मंगा सकता हूं 5 रुपीज, क्योंकि 10 का शेयर 5 पेड अप है ना, तो 5 रुपीज आपका एक्स्ट्रा अमाउंट वी कैन कॉल एनी टाइम फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन क्या पूरे 5 रुपीज मंगा लो, वो कहता ना 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 पूरे 5 रुपीज नहीं मंगाना। फिर से पढ़े वहां पे, ड्राफ्ट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग दैट द स्कीम हैज बीन पुट थ्रू फुल्ली विद द इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश टू पे ऑफ द पार्टी, कैश उतना ही मंगाओ इक्विटी वालों से ताकि सारे पार्टी का पेमेंट हो जाए और इसके साथ साथ टू लीव अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 30,000, एंड में आपके पास कैश फॉर वर्किंग कैपिटल कितना बच जाए 30,000 कैश बच जाए और पार्टी का पेमेंट हो जाए उतना ही मंगाना है। और कहता कि बताओ अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना, यानी कि इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री और होने वाली है, हमें इक्विटी वालों से पैसा मंगाना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ इक्विटी वालों से हमें पैसा मंगाना है ना। अब वो पैसा कितना मंगाना है वो आपको निकालना है, वो कहता है कि भैया इतना ही पैसा मंगाओ कि जिनको जिनको पेमेंट इस एंट्री में करना है ना वो पेमेंट भी हो जाए और एंड में आपके पास कैश कितना बच जाए 30,000 एज वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है मैं इसको अब शुरू करता हूँ, पहले ये तो रिकंस्ट्रक्शन से आएगा, मैं जानता हूँ पहले ये पैसा मंगा लूँ मैं, पहले पैसा ला एंट्री, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वर्किंग नोट्स के अंदर में, ठीक है ना, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे आप। एक काम करना इसके बाद अभी बस लास्ट है, इसके बाद कोई एंट्री तो है नहीं, तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखिए आप, वर्किंग नोट्स नंबर 1, नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 आपका। इस नोट में आप क्या करेंगे लिखिए मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में, कंप्यूटेशन ऑफ कैश टू बी कॉल्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा मंगाया जाएगा। तो मेरे बच्चे कितना पैसा मंगाया जाएगा इसके लिए क्या, एक तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ पार्टीज, आपको पे करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, चेक करो यहाँ पे एंट्रीज में कहाँ कहाँ हमने पेमेंट किया, ये देखिए आप हमने जो प्रेफरेंस, ये पहला एंट्री था, प्रेफरेंस वालों को हमें कितना पे करना है जी,
420 ये और 33600 ये है ना बच्चे। प्रेफरेंस वालों को जो हमने पे करना है वो 420 का पेमेंट ये करना है और प्लस आपका जो उनका डिविडेंड हमने पे किया था 33600, यानी कि टोटल उनको 453600 का अमाउंट पे करना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हमें पे करना है एक 420 का अमाउंट उनके कैपिटल के बिहाफ पे एंड 33600 डिविडेंड के बिहाफ पे। तो टोटल कितना हो गया 453600 हमें कितना पेमेंट करना है, मैं पैसा वो इकट्ठा कर रहा हूँ ठीक है ना। एंट्री में सब कुछ है, कहीं भी दिक्कत नहीं। और कहाँ पेमेंट किया, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, पॉइंट नंबर टू डिवेंचर को पे हुआ नहीं, एक्रो इंटरेस्ट पे हुआ नहीं, तो पॉइंट टू में कोई पेमेंट नहीं। पॉइंट थ्री में चेक कीजिए, पॉइंट थ्री में बैंक ओवरड्राफ्ट का 157500 का पेमेंट हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया जा रहा है, लिखिए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पेमेंट हो रहा है 157500 का अमाउंट, ये भी ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ही पेमेंट आपका हो गया ठीक है। इसके बाद फोर्थ में आइए, फोर्थ में यहाँ कोई पेमेंट, ये क्रिएटर्स को 65550 क्रिएटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 65550 क्रिएटर्स 65550 का अमाउंट है ना, क्रिएटर्स का पेमेंट कर दिया हमने। क्रिएटर्स का पेमेंट के बाद आपका यहाँ पे और क्या निकल के आ रहा है, क्रिएटर्स का पेमेंट के बाद 60 कहाँ चला गया, ये रहा क्रिएटर्स का पेमेंट किया हमने यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ कोई पेमेंट नहीं हुआ, देख लो आप, यहाँ कोई पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ भी कोई पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ भी कोई पेमेंट नहीं हुआ। 3350 का हम पेमेंट कर रहे थे यहाँ पे, ये क्या था, कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन 3350 एक्सपेंसेज, यानी कि एक्सपेंसेज ऑन रिकन्स्ट्रक्शन 3350 का हमें पेमेंट करना है। और चेक करो, और पेमेंट कोई, ये हो गया बस, अब तो कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे पेमेंट हमें इतना करना है, पेमेंट आपको इतना करना है। और इसके साथ साथ जो आपको मिनिमम 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 जो कैश रखना है, कैश फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वो हमें कितना रखना है, हमारे पास कैश एंड में कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 30,000 का अमाउंट। तो बताओ टोटल कैश रिक्वायर्ड कितना आ गया, टोटल कैश रिक्वायर्ड यहाँ पे आपका कितना निकल के आता है, चेक कीजिए, प्लस 157500 65550 है ना, प्लस 3350 एंड प्लस 30,000, ये आ गया 710,000। अगर हमारे पास 710,000 का कैश हो जाता है मेरे बच्चे, तो सारा पेमेंट भी हो जाएगा और हमारे पास इतना कैश भी बच जाएगा। एक बार चेक करो बैलेंस शीट को, देखो क्या कुछ कैश है क्या पहले से आपके पास, यस सर, आप देखो ना बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऑलरेडी कैश आपके पास कितना है 10,000, तो इतना रिक्वायरमेंट है और लेस बैंक बैलेंस आपके पास जो अवेलेबल है बैलेंस शीट में, अवेलेबल इन बैलेंस शीट वो कितना है आपका 10,000। तो मेरे बच्चे 710 की टोटल रिक्वायरमेंट, 10 ऑलरेडी आपके पास है, तो वी नीड और कितना 7 lakh rupees, यानी कि कैश टू बी रेज्ड जो हमें रेज करना होगा, मंगाना होगा फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वालों से, वो कितना आपका 7 lakh का अमाउंट, 7 lakh का कैश मेरे बच्चे हमें उनसे मंगाना पड़ेगा, 7 lakh rupees मंगाना पड़ेगा। अब जो 7 lakh मंगाएंगे आप यहाँ पे, तो जरा चेक करो आपका कि पर शेयर कितना, 7 lakh तो हम सारी इक्विटी से मंगाएंगे ना बच्चे, तो हर एक से तो इक्वल मंगाया जाता है, और याद रखना पर शेयर आप टू द मैक्सिमम 5 मंगा सकते हो। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट टू बी कॉल्ड, जो अमाउंट हमें कॉल करना है पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर मैं कितना पैसा यहाँ पे कॉल करूँगा पर इक्विटी शेयर, तो जो 7 lakh rupees का अमाउंट है डिवाइडेड बाय, बताइए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। ध्यान से आप देखो बैलेंस शीट में इक्विटी वालों का नंबर कितना है जी, 2 lakh, तो मेरे बच्चे 7 lakh जो हमें मंगाना है 2 lakh इक्विटी शेयर्स पे मंगाना है, यानी कि पर शेयर कितना निकल के आ गया 3 rupees 50 paise,
350। अगर पर शेयर हम उनसे 350 मंगा लेते हैं तो पैसा हमारे पास 7 लाख आ जाएगा। 10,000 पहले से है तो 710 हो जाएगा, 710 में सबका पेमेंट हो जाएगा, 30,000 हमारे बच भी जाएगा। वी नीड आपका 350 पर शेयर। क्या 350 पर शेयर मंगा सकते हैं? यस, क्योंकि 5 रुपीज तक मंगा सकते हैं तो आराम से मंगा सकते हैं। सर अगर ये मान लो 6 रुपीज आता तो हो ही नहीं सकता, फिर तो क्वेश्चन नहीं बनता। अरे जितना मंगा सकते उसी में से तो बोलेगा मंगाने के लिए, तो आप अननेसेसरी सवाल क्यों। 350, इस 350 के हिसाब से 2 लाख शेयर्स पे पैसा मंगाने की एंट्री कीजिए, और आपने जगह छोड़ा है मेरे बच्चे वहीं पे आपको एंट्री कर देना है। ये लीजिए आप, यहाँ पे ये आपका। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नरेशन दे देता हूँ। बींग रुपीज 350 पर शेयर कॉल्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, हमने उनसे पर शेयर क्या किया, होल्डर मंगाया आपका, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपीज जो हमें रिक्वायर्ड आपका है। ये काम पूरा आपका कंप्लीट। अब मेरे बच्चे 350 जब उन्होंने दे दिया तो पहले से पेडअप कितना था, 5, 350 और मंगा लिया 350, तो पेडअप कितना हो चुका है, 850 हो चुका है। समझ लो ना, 5 पहले से था, 350 हमने और मंगाया, तो टोटल कितना हो गया, 850। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बदमाश। अब ये जो 850 हो चुका है उसमें से इक्विटी वाले क्या करेंगे, अपना राइट यानी कि पेड अप वैल्यू कुछ कम करेंगे। वो कितने से कम करेंगे, आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के पता करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया वर्किंग नोट्स नंबर 2 आपका। अब मैं 2 सोचता हूँ कि यही कर दूँ ताकि मुझे बार बार ना आगे पीछे ना करना पड़े। इसको मैं मिटा दूँ अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो, क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे है नहीं, तो आप इसको कॉपी कर लो और मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको मिटा दूँ मैं, यस सर, ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, नो डाउट। ये लीजिए, इसको तो मिटाने में भी टाइम लग जाएगा यार, फटाफट करते हैं। मिटाने का मतलब कि बस थोड़ा सा आपको समय देना चाहता हूँ रिलैक्स होने के लिए और कुछ भी नहीं। रिलैक्स हो रहे हो ना, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो तो मैं सुन रहा हूँ। आपकी सारी बातें मेरे दिमाग में आती है, जब मैं रात में सोया रहता हूँ ना और रात में आप पढ़ते हो तो आप क्या कब सोच रहे हो वो भी मेरे दिमाग में आता है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा आँख, मेरा दिमाग सब आपसे जुड़ा हुआ है। ये लीजिए आपका। अब हम क्या करेंगे, विल प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसको यहाँ ले लेते हैं ताकि पूरी एंट्री दिख जाए हमें, ये रहा। और अब आप मेरे साथ यहाँ बनाइए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। चलिए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे नाम चेक कीजिए। पॉइंट 1 से आपको यहाँ पे 180 का फायदा, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आपको फायदा हुआ था, कितने का, 180 का आपको यहाँ पे। ये जो आपका डिविडेंड पे हुआ था बच्चे, उससे घाटा हुआ 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि ये आइटम बैलेंस शीट में नहीं था, अननेसेसरी आपको पे करना पड़ा, तो घाटा तो रिकॉर्ड होगा ना, 33,600 का। सेकंड में डिवेंचर कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे हमें फायदा हुआ था 1,08,000 का। एक्रूड इंटरेस्ट 1,08,000 का, ये हो गया आपका। थर्ड में आइए आपका, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में फायदा रिकॉर्ड हुआ था एक्रूड इंटरेस्ट से। अगेन एक्रूड इंटरेस्ट जो बैंक ओडी वाला था ना, उससे 7,500 रुपीज का आपको फायदा हुआ था, ये हुआ था ना आपको 75 का, यहाँ फायदा 18 का था, ठीक है। फोर्थ में क्रेडिटर से भी आपको फायदा हुआ था, क्रेडिटर से फायदा हुआ था, और ये फायदा कितने का था हमारा, क्रेडिटर से फायदा 3,450। फिर आपका यहाँ पे खूब सारे घाटे, एक तो आपका कहता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना था, वो घाटा 4,08,000। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट को हमें हटाना है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, उसका भी हमारा घाटा 80,000 का अमाउंट। फिर आपका डेटर्स का भी घाटा 30,000 का अमाउंट। रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्स्ड एसेट्स में हमारा घाटा हुआ था, फिक्स्ड एसेट्स में घाटा 34,000 का। रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेस्टमेंट में भी हमारा यहाँ पे घाटा 10,000 का।
इक्विटेशन, ये तो एंट्री भी करना है। रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, यहाँ भी हमारा घाटा जो एक्सपेंसेज हमने पे किया था 3350 बस, और यहाँ कोई घाटा फायदा नहीं है। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ बच्चे कि यहाँ पे हमारे घाटा ज़्यादा रहे होंगे। आइए चेक करते हैं, 3600, 4,08,000, 80,000, 30,000, 34,000, 10,000 और +3350, ये आ गया टोटल आपका 5,98,950। तो इतना घाटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5,98,950 का घाटा हुआ है। इसमें से कितना एडजस्टमेंट हो गया, 1,80,000 एक, 1,08,000 दूसरा, 7,500 तीसरा एंड 3,450। ये बच गया बच्चे यहाँ पे 3 लैक्स का बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे 3 लैक्स अभी भी बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं। तो पता है क्या हुआ होगा, इक्विटी वालों ने कहा कि भैया आप अपने सारे लॉसेज को रिकॉर्ड कर लो, जितने लॉस हो रहे हैं आपके सेट्स के अंदर में, जितना राइट ऑफ करना आपने, जिससे जितना बेनिफिट ले सकते ले लो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो आप हमसे हमारे पेड अप वैल्यू को कम करके एडजस्ट कर देना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। और एक बार चेक करो ना जरा कि 3 लाख रुपीज का जो एडजस्टमेंट हो रहा है, मतलब जो 3 लाख रुपीज हमें इक्विटी वालों के कम करने हैं, 3 लाख रुपीज, वो पर शेयर कितना कम करना होगा। हमारे क्वेश्चन में 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो बच्चे 2 लाख अगर इक्विटी शेयर है और उन पर 3 लाख रुपीज कम करना है, तो 2 लाख जो इक्विटी शेयर है उनसे डिवाइड करके हमने चेक किया तो रुपीज 1.50, यानी कि हर एक इक्विटी वालों को अपना पेडअप को 1.50 यानी कि 1.50 रुपीज से कम करना पड़ेगा। और इसी की एंट्री ये मैंने यहीं पे निकाल दिया, आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हो। ये 3 लाख से 3 लाख हमें इक्विटी वालों से कम करना है, तो एंट्री हमारा बन गया ना, इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, ये एंट्री कितने से बनेगा, 3 लाख रुपीज से, 3 लाख। और मैंने यहाँ पर नरेशन में बता दिया एग्जामिनर को, बींग रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू या राइट पर इक्विटी शेयर बाय रुपीज 1.50, है ना, 1.50 रुपए के हिसाब से हमने क्या किया, कम कर दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उनके एग्जाम में क्वेश्चन आया था आई थिंक 16 या 20 मार्क्स में, आपके एग्जाम में आएगा तो 10-12 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स जो हमें समझने थे। इसमें बच्चे कहता कि बैलेंस शीट भी बना दो, तो मैं एक काम करता हूँ बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जो फॉर्मेट में कौन कौन से नाम आएंगे मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से नाम, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है, जितनी रिक्वायरमेंट वही, तो आप एक सेकंड का समय दीजिए, मैं पहले नाम जो यहाँ पे हमें यूज होने वाले उसको मैं लिख देता हूँ, अगली बार से साथ साथ लिख दूंगा, बट टाइम अभी वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर आपके साथ ही बैलेंस शीट बनाऊंगा। अभी एक सेकंड में गया, एक सेकंड में आया। हाँ जी बच्चे, मैंने बैलेंस शीट बना लिया। एक्चुअली मैंने सोचा कि कहीं ये एएस के ऊपर में है तो इंडेक्स में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अलग से इस पर काम कर लिया, बट कुछ बड़ा चीज़ इसमें है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल आइटम्स है। ये देखिए आपका बैलेंस शीट जो नया बनेगा, ये बैलेंस शीट क्या नाम है कंपनी का नहीं बता रहा, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो अब आपका बनेगा बच्चे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन में बैलेंस शीट किसी भी फॉर्मेट में दे, ओल्ड में, न्यू में, कुछ भी, आपको इंडेक्स के मुताबिक ही बनाना है, ठीक है ना। तो इंडेक्स के मुताबिक हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट। अब इसमें करना क्या है कि जैसे पीपी का मतलब हो गया यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है, तो आप मतलब कि ये पुराने फॉर्मेट में था ना, तो फिक्स्ड था, नाउ इट इज कॉल्ड पीपी, तो हम पीपी लिखेंगे। कितना वैल्यू रह गया, 1140 का अमाउंट था, बताइए 1140 में आपने कितने से कम किया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये बैलेंस शीट साथ साथ बनाएंगे। 1140 में फिक्स्ड कितने से कम हुआ आपका, फिक्स्ड 34,000 से, तो 34,000 यानी कि ये रह गया 11,06,000। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फिक्स्ड की जो वैल्यू है उसको दिखाइए 11,06,000, है ना, 11,06 जो अब वैल्यू रह गया एक्चुअली आपका 11,06,000 का अमाउंट। आप चाहो ना तो एक काम करो, ये लो मैं पूरा फॉर्मेट यहाँ रख देता हूँ, एक बार ना वीडियो को पॉज करके पहले ये बैलेंस लिख लीजिए आप, जो जो नाम आएंगे, इसके साथ कुछ नाम आएगा तो हम बाद में देख लेंगे, उसके बाद मेरे साथ इसको फिल करना शुरू कीजिए, है ना। तो मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मेरे साथ फिट करें ताकि साथ साथ हम दोनों रहें।
इसके बाद मेरे बच्चे बैलेंस शीट में आपका आइए करंट एसेट्स के अंदर में। करंट एसेट्स के अंदर में हमारे पास एक है इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक 4 लाख का था। हमने क्या इन्वेस्टमेंट स्टॉक की वैल्यू कुछ कम की थी हमने, स्टॉक की वैल्यू नहीं सर, तो ये 4 लाख पे ही आपका देखेगा। तो मैं इसको इन्वेंट्रीज यानी कि 4 लाख का अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ, है ना। आप चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पे स्टॉक दिखा सकते हैं, अलग से शेड्यूल थोड़ी बनाना एक एक आइटम के लिए, फटाफट यहीं पे लिखेंगे हम लोग। इसके बाद मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट, ये जो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट मान लिए, करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हम शो करेंगे एट द मार्केट वैल्यू यानी कि 55,000। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारा अब नया कितना रह गया 55। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स में कोई कम किया था क्या आपने, चेक कीजिए डेटर्स में हमने कोई चेंज किया था, ये सर हमने डेटर्स की वैल्यू डेटर्स की वैल्यू 30,000 से हमने कम की थी। हो जा क्यों भाई, डेटर्स की वैल्यू हमने 30,000 से कम की थी, क्या हो गया, ये क्यों नहीं हट रहा, अब हटा बदमाश। तो डेटर्स की वैल्यू हमने क्या किया था, एक बार चेक कीजिए हमने कितने से कम किया था, 30,000। तो डेटर्स अब हमारा कितना रह जाएगा, डेटर्स की वैल्यू हमारे कितनी रह जाएगी यहाँ पे, ये क्या कुछ हो रहा, प्रॉब्लम क्या, अरे किया तो है इसके ऊपर में हद है, इसे कुछ हो गया है। डेटर्स आपका यहाँ पे, डेटर्स की वैल्यू आपका कितना 30,000 से कम कर दो आप, तो 4,09,000 का अमाउंट हो जाएगा, है ना, 4,09,000, 30,000 से कम किया, जो नया वैल्यू रह गया वही तो लिखा जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे बच्चे हम लोग निकाल चुके हैं, ये 30,000 का बैलेंस आपका रहेगा, क्योंकि जितनी भी एंट्री आपको कैश का प्लस माइनस करके इनमें बैलेंस 30,000 होना चाहिए था, उसी के मुताबिक हमने इसका काम किया था। अब आइए इक्विटी में, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान दो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में यहाँ पे कोई अदर इक्विटी तो है नहीं, अदर इक्विटी है नहीं। आप मैं आप कहो तो थोड़ा जगह बनाने के लिए, अगर आपने लिख दिया तो उसको नील कर देना, मैं यहाँ पे जगह बनाने के लिए इसको मिटा के यहाँ बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा जाएगा, है ना, इक्विटी अदर इक्विटी के अंदर में। तो अदर इक्विटी के अंदर में हमने कहा यहाँ पे, अदर इक्विटी के अंदर में हमने कहा क्या हो गया इसको, ठीक तो है, अदर इक्विटी के अंदर में जरा बताओ कितने शेयर्स हैं, तो शेयर्स तो 2 लाख ही हैं, 5 रुपीज पहले से पेड था, 3.5 और मंगाया था और फिर 1.5 माइनस किया था, तो अब मेरे बच्चे पेड अप इनका कितना रह गया 7, तो लिखेंगे आप 2 लाख, लिखिए यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच कॉमा 7 पेड आपका, तो 2 लाख इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 लाख का अमाउंट आपका। इवन आप अगर जो ऊपर में एंट्री किए उनको भी प्लस माइनस करोगे तो इक्विटी शेयर का बैलेंस आपका 14 लाख से निकल के आएगा, वो हमने कर दिया। फिर मेरे बच्चे आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट हो चुका है, 9% डिवेंचर्स को हमने 12% डिवेंचर कर दिया था, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बोरविंग्स के अंदर में आपका 12% डिवेंचर्स, है ना। आप इनमें शेड्यूल बना के टाइम बर्बाद मत करना, एक एक आइटम है यहीं पर लिख देना आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर का मोटिव होगा इसको चेक करना ना कि शेड्यूलिंग आपको आता कि नहीं आता। 12% डिवेंचर कितने का आपका 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका ये हो गया 6 लाख का। फिर वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका पे हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो चुका है, क्रेडिटर्स आपके पे हो चुके हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी भी पे हो चुका है, आप कुछ बचा नहीं मेरे बच्चे, दोनों साइड आपका टैली करना चाहिए। तो हमारा नीचे में आ गया यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट, ऊपर भी 20 लाख आना चाहिए, चेक करते एक बार हम लोग, 11,06,000 प्लस 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट 55,000, 4,09,000 एंड प्लस आपका 30,000, ये आ गया 20 लाख, आना ही था। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, इट्स वेरी सिंपल, मतलब एग्जाम में आ जाए तो समझो कि इतनी मस्ती आपकी होने वाली है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। आप प्लीज कॉपी कीजिए, मैं अब 5th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चे, 5वां क्वेश्चन, आज हमारा 4 क्वेश्चन टारगेट रहेगा, 5th एंड 6th तक तो एनी हमें ख़त्म करना ही करना है ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पहले आइए 5th क्वेश्चन, सर हमें भी कुछ दो ना करने के लिए, हमें भी दूंगा बदमाश, दूंगा आपको, लो ना 5th क्वेश्चन में ही मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स करा देता हूँ, बाकी खुद करना चलो, लेकिन मैंने सोल्यूशन दिया नहीं, मुझे कराना ही पड़ेगा, आप बदमाश हैं। कहता कि विदुषी लिमिटेड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ एडवर्स ट्रेडिंग कंडीशन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st मार्च 2017
शोड द फॉलोइंग। गुडविल है 55, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट आपका 60, लीज होल्ड मेरे बच्चे कहता है कि कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 122, ये कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन कोई काम का नहीं, लीज होल्ड की वैल्यू आज कितना है 122 ध्यान में रखेंगे। प्लांट मशीनरी की आज की वैल्यू 160 है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टॉक रिटर्न्स डिस्काउंट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट लॉस को राइट ऑफ करेंगे कुछ बोले चाहे ना बोले। ऑथराइज एंड इशूड में आपका 20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, 9% डिवेंचर कहता है आपका, थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे है, ये 60,000 का है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,700 रुपीज, क्रेडिटर्स 85,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है कि 96,000। प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे कहता है कि 4 ईयर्स का बकाया है ना, कंटिन्यूड लायबिलिटी। सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट ऑफ द स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, मेरे बच्चे स्टेप्स में पॉइंट नंबर वन में काम करता हूँ ना कि पढ़ते जाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाता हूँ, ठीक है ना। तो फिफ्थ में आई जरा पॉइंट नंबर वन आपका, पढ़िए मेरे साथ। कहता कि प्रेफरेंस शेयर्स वे रिड्यूस्ड टू 750 पर शेयर। अब यहाँ पे फेस या पेड अप नहीं बता रहा है, तो रिड्यूस टू का मतलब कि फेस वैल्यू चेंज हुआ। तो मैं काम करता हूँ ना कि नंबर ए, इसमें कई सारी एंट्री बनेंगी आपके बैलेंस शीट में, जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनको हटाइए क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बताइए बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस होगा कितने का, 10, ये ब्रैकेट में जरूर बता देना कि फेस वैल्यू पहले 10 वाला था, थोड़ा जगह छोड़ के 2। जो नया प्रेफरेंस शेयर है क्या रेट चेंज हो रहा है? नहीं सर, तो वो है आपका क्या जी, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही, लेकिन जो नया वाला शेयर है वो आपका कितने का बता रहा है, एक शेयर आपका 7.50 का। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट में जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज का अमाउंट था, आप देख सकते हैं, यानी कि ये 20,000 शेयर्स थे 10 रुपीज वाले। अब मेरे बच्चे शेयर्स तो 20,000 ही है, नंबर में कोई चेंज नहीं, बट उनकी फेस वैल्यू क्या हो गया, 7.5, यानी कि 1,50,000। तो 50,000 का यहां पे हमें फायदा हो गया, उस फायदे को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करो, एंट्री पास करो और मार्क्स लेकर आ जाओ घर में, यही काम करना है। बी पॉइंट पे पढ़ेंगे आप, इसी में आगे, पॉइंट वन में ही आगे। कहता है कि एंड द इक्विटी शेयर वेर रिड्यूस टू रुपीज टू, इक्विटी वाले भी क्या हो गए 2 रुपये, रिड्यूस टू यानी कि फेस वैल्यू। तो आप एक काम कीजिए, यहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए जरा, बैलेंस शीट में जो पहले से इक्विटी है कितने रुपए वाले, वो भी 10 वाले, उनको हटा दीजिए, अकाउंट डेबिटेड। इसके जगह पे मेरे बच्चे नया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और देख लो कि जो नया इक्विटी है वो कितने रुपए वाले आपका, 2 रुपए वाले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका जो है 1,50,000, यानी कि 15,000 इंटू 10, और नया वाला हो गया 15,000 इंटू आपका 2, यानी कि 30,000, और जो 120 का आपको यहां पे फायदा हो गया, ये फायदा भी ट्रांसफर टू कहां, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तो दोनों शेयर का फेस वैल्यू कम हो गया। मजे की बात, आगे पढ़ना, आफ्टर रिडक्शन, पॉइंट वन ही पढ़ रहे हैं, पॉइंट वन में कई सारी एंट्री है। आफ्टर रिडक्शन कहता कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स वेर कंसोलिडेटेड इनटू रुपीज 10 शेयर। सर इसका मतलब बताता हूं मैं आपको, ये देखिए आपका सी में इसको लेके बना रहा हूं, नया जो प्रेफरेंस शेयर है वो ये वाला था ना बच्चे, तो 8% जो आपके नए वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं कितने रुपए वाला, 7.5 वाला, हमने इनको कंसोलिडेट कर दिया नए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज वाले में, ये आपको बता रहा है।
अब ये कंसोलिडेट करने का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो 150 है ना, ये जो आपका नया वाला 150 जो है प्रेफरेंस शेयर्स नया वाला, वो क्या था जी, ये 20,000 शेयर्स थे 7.50 वाले में। मेरे बच्चे कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट रहेगा, अमाउंट आपका सेम रहेगा 150 टू 150। लेकिन अब देखो ना, एक शेयर आपका 10 रुपीज का हो गया है, यानी कि जो 20,000 शेयर्स थे अब वो आपका यहाँ पे 15,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे एक्चुअली आपका। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास 10, 10, 10, 10 and 10 रुपीज के अगर आपके पास 5 नोट्स थे, 5 नोट थे, हमने ये 5 नोट लेकर आपको एक नोट में कंसोलिडेट कर दिया जो 50 रुपीज का है, मतलब वैल्यू मेरे बच्चे दोनों की सेम रहेगी। यहाँ पे 5 नोट्स आपके पास थे, यहाँ पे 1 नोट रहेंगे। यही मतलब यहाँ पर निकल के आता है कि ये जो आपने यहाँ पे पहली एंट्री में नया शेयर्स जो 150 का बनाया था ना, वो 150 की ही वैल्यू को रखेगा। लेकिन पहले 150 आपका 20,000 शेयर्स थे 750 वाले, अब वो एक नोट यानी कि एक शेयर आपका 10 रुपये का हो जाएगा तो कंसोलिडेट होकर 15,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है, इसमें और कुछ नहीं समझना आपको। यही नहीं, वो इक्विटी वालों को भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो डी एंट्री में अब इसके लिए दिखा रहा हूँ, दो बार आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए ना यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये तो हर एक क्वेश्चन में नया नया पॉइंट आ रहा है, अरे तभी तो नया नया क्वेश्चन रखा हुआ है। लेकिन एग्जाम में जो भी आएगा यू नो एवरीथिंग नाउ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज वाले को आप डेबिट करेंगे, हटाएंगे यहाँ पे, और इसके जगह पे मेरे बच्चे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए कितना वाला आपका यहाँ पे नया 10 रुपये वाले में हमने कंसोलिडेट कर दिया। तो ये देखो 30,000 है ना, ये 30,000 शेयर्स थे पहले, 15,000 शेयर्स 2 रुपीज वाले, अब मेरे बच्चे अमाउंट तो सेम रहेगा और एक शेयर अगर 10 रुपये का हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 3,000, ये निकल गया कंसोलिडेशन। आप कह दो कि सर नरेशन कैसे लिखा जाएगा, अरे इतने बड़े बच्चे होके लिख दो फिर भी, बीइंग 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच कंसोलिडेटेड इंटू 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। लीजिए मैंने आपको नरेशन भी बता दिया कैसे लिखा जाएगा। नरेशन किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बस एग्जामिनर को गाली मत लिखना, है ना, अदरवाइज वो मार्क्स काट लेगा, बाकी जो कीजिए। फिर पॉइंट वन में ही कहता है, आगे पढ़ना, कि ऑथराइज कैपिटल वाज रीस्टोर्ड 2 लाख, इतना ऑथराइज कैपिटल में चेंज हुआ। ऑथराइज यानी कि मैक्सिमम शेयर्स कितना इशू कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एंट्री ऑथराइज से थोड़ी होता है, जो एंट्री करना था हमने कर लिया। ये ऑथराइज आपको पता ना कि मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर्स इशू कर सकती है, तो कुछ चेंजेज आए होंगे, फिर उन्होंने चेंज कर लिया होगा। खैर चलिए आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2, वन न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वाज इशूड फॉर एवरी 40 ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। पॉइंट नंबर 2 के बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको, ये लीजिए लिखो जरा पॉइंट नंबर 2, वर्किंग दिखा रहा हूँ पहले, जरा बताओ टोटल, लिखिए मेरे साथ वर्किंग, टोटल अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मेरे बच्चे 4 ईयर्स का बकाया है, बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था और उस पर 8% का आपका रेट था 1 साल का, तो 4 ईयर्स में कितना हो गया, 64,000, है ना, 64,000। आपको पता है कि ये बैलेंस शीट के बाहर मेरे बच्चे यहां पे होता है आपका नोट में 64,000, इसको माफ कर दिया जाए कोई एंट्री पास नहीं होगी, बट उन्होंने फ्री में माफ नहीं किया, इसके बदले में इक्विटी शेयर्स मंगाया है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, कितने इक्विटी हमने इशू किया है, कहता है कि एक शेयर, वन शेयर दूंगा 40 रुपीज के बदले में, 40 रुपीज ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड को माफ करने के लिए
उनको एक शेयर चाहिए 10 रुपये वाले, तो जरा बताओ कि 40 के बदले में अगर एक, तो 64,000 के बदले में वो कितने शेयर्स उनको देने पड़ेंगे। तो 64,000 डिवाइड बाई 40 आपका ये आ गया 1600। इतने शेयर्स हमें देने होंगे बच्चे। अगर इतने शेयर्स आप देंगे तो इस ये ख़त्म होगा, बट 1600 से इंटू 10 यानी कि 160 से यहाँ पे एंट्री आएगी, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे एंट्री में 2 लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। आपका 1600 इंटू आपका 10 यानी कि 1,60,000 का, और इसमें बिना किसी डाउट के कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिटेड 160। रिकंस्ट्रक्शन में क्यों जाएगा बच्चे, इसलिए जाएगा बच्चे क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 160 से यहाँ पे आपका जो बढ़ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो ना, एक बैलेंस शीट के बाहर एक लायबिलिटी थी, वो माफ हो गया, उसके बदले में हमें शेयर्स इशू करना पड़ा, तो कैपिटल बढ़ गया, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, विल टेक द नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, है ना। अब ये समझाने का टाइम नहीं रहा क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हुआ था कि माफ़ी जो हमने दिया था उसके बदले में हमने उनको पेमेंट किया था, देख रहे हो आप यहाँ पे ना, ये देखिए वो जो मैंने मिटा दिया था, ये इसका माफ़ी के बदले में जो पेमेंट किया था, तो हमने क्या एंट्री किया था ना यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन कहाँ चला गया, वो था ना रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, हमने इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, सबका सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, 2 खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे आप आइए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आपका थर्ड पॉइंट में बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू बी यूटिलाइज, मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस है उसको यूज कर लो, यानी कि उसको एडजस्ट कर दो। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को हटाइए और घाटे को एडजस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाएगा, तो ये टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है ना। रिजर्व अगर आपको यूज करना है तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। कितना दिख रहा है वो 5,000 का अमाउंट, ये भी एंट्री हो गया है ना, 5,000 की एंट्री हमने कर दी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ अच्छा पॉइंट है, एक बार सुन लो यहाँ पे, वर्किंग के साथ समझाऊंगा। फोर्थ में कि डिवेंचर होल्डर टू कवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000 पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ड्यू टू देम। जरा बताओ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको देखो ना 60,000 का, मैं वर्किंग दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो 60,000 की थी, इस प्रॉपर्टी को डिवेंचर होल्डर कितने पे लेके चले गए, 75। देखो एंट्री कैसे करूंगा, जब भी कोई एसेट कोई लायबिलिटी वाला लेकर जाएगा तो पहले क्वेश्चन के मुताबिक आप उसको रिवैल्यू कर दो, रिवैल्यूड एट कितने पर रिवैल्यू करना होगा, 75 पे, क्योंकि वो 75 पर टेक ओवर हो रहा है ना, तुम 75 पर उसको रिवैल्यू कर देंगे, पहला काम। अब इससे क्या हो गया कि एक एंट्री पास करना होगा रिवैल्यू करने का, और उसकी वैल्यू 75 हो जाएगी। अब ये 75,000 का जो आपका प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, वो डिवेंचर होल्डर लेके चले गए। एक बार चेक करो ना कि बैलेंस शीट में डिवेंचर होल्डर का क्लेम है कितना, देखो एक तो 9% डिवेंचर आपका 60,000 का है, और उस पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2700 का है। तो मेरे बच्चे ये जो आपका है, ये जो 75 का, ये कहता है कि टेकन बाय डिवेंचर होल्डर फॉर देयर क्लेम ऑफ कितना जी, कितना आ गया 62,700, यानी कि 60,000 का उनका फेस वैल्यू एंड 2700 का इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट ऐसा कहाँ लिखा है, पढ़ो ना, सब कुछ बताएगा आपको, उस पढ़ने की देरी है, पढ़ेंगे आप। फोर्थ पॉइंट, डिवेंचर होल्डर took over freehold property at an agreed value of 75, paid the balance to the company after deducting amount due to them.
जितना उनका अमाउंट ड्यू है, तो अमाउंट ड्यू क्या है, पूरा ना बचे, तो ये प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर ना इतने के बदले में लेके चले गए। क्या इतने के बदले में लेके चले गए फ्री, मतलब पूरा उनका तो कर्ज इतना था ना बच्चे, इसके बदले में 75 की प्रॉपर्टी लेके चले गए। क्या इसके बाद भी कुछ हुआ? ये कह रहा है कि उन्होंने बाकी पैसा, क्योंकि देख रहे हो प्रॉपर्टी 75 का जा रहा, कर्ज इतने का है, तो उन्होंने क्या किया, प्लस उन्होंने क्या किया कि डिवेंचर होल्डर, या ऐसे कह दो कंपनी के एंगल से, कंपनी रिसिप्ट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, समय दे देता हूँ इसको, है ना। प्रॉपर्टी जो 60 का था 75 में रिवैल्यू किया, डिवेंचर होल्डर लेके चले गए इतने के बदले में, और उन्होंने क्या किया, कंपनी रिसिप्ट, कंपनी के एंगल से ताकि रिविजन में आपको दिक्कत ना हो, प्लस कंपनी रिसिप्ट बैलेंस अमाउंट इन कैश आपका, तो बैलेंस कितना हो गया, तो 75,000 की प्रॉपर्टी उनकी चली गई, बट कर्ज आपका 62,700 का, तो कितना निकल के आ गया, 12,300 रुपीज का अमाउंट, इतना कंपनी रिसीव, इतना पैसा उनसे कैश रिसीव कर लिया आपका। हमें इसी की एंट्री पास करनी है। आइए, जब आपने इसको तोड़ लिया तो मेरे बच्चे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एंट्री कैसे करेंगे, ये देखो इसकी एक एंट्री बन जाएगी, नंबर ए रिवैल्यू करने का, फ्री प्रॉपर्टी आपने इनको दे दिया और आपको इतने पैसे मिल गए, उसके एंट्री नंबर बी कर लेंगे। आपको इससे भी अच्छा कुछ लगता था वो इसे कीजिए, एंट्री तोड़ना कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी एंट्री कर सकते हैं। तो फोर्थ में पॉइंट नंबर आपका आ जाइए, यहाँ पे वन ए, एक्चुअली प्रॉपर्टी रिवैल्यू कीजिए, वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कितने से वैल्यू बढ़ गया आपका, 15,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 से इस वैल्यू को हमने यहां पे इंक्रीज कर दिया। दूसरी एंट्री मेरे बच्चे, दूसरी एंट्री में अब डिवेंचर होल्डर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो कौन कौन सी लायबिलिटी बैलेंस शीट से खत्म होगी, एक आपका 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट को आप हटा देंगे, फिर आप हटा देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी आप यहां से हटा देंगे, दो लायबिलिटी खत्म हो गया, और कंपनी के पास से क्या चला गया, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बताओगे जरा मुझे कि डिवेंचर बैलेंस शीट से कितने से खत्म हो गए, 60,000, एक्रूड इंटरेस्ट कितने से खत्म हो गया, 2700, प्रॉपर्टी कितने के चले गए, 75 के, 60,000 पहले से बैलेंस शीट में था, हमने 15 से बढ़ाया था, 75 का हो गया था, इतने के लेके चले गए। मेरे बच्चे अगर ये 12,300 कंपनी को कैश वो ना देते, अगर ना देते तो कंपनी को यहाँ पे घाटा हो जाता, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आता, बट क्योंकि कंपनी ने वो पैसा रिसीव कर लिया तो कैश अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, है ना, कितने से, 12,300 एंट्री बराबर हो जाएगी। सर आप यहाँ पे कैश से एंट्री क्यों कर रहे हो, बैंक से करो ना, आप हमेशा बैंक से एंट्री करते हो, पर बच्चे बिलीव कीजिए मैं हमेशा बैंक से एंट्री करता हूँ, बैंक से एंट्री होना भी चाहिए, बट इसके अंदर में मुझे जानबूझकर मैं कैश से एंट्री कर रहा हूँ, और भी कहीं एंट्री किया था, अभी कोई आया नहीं था, पहली बार जानबूझ के कैश से एंट्री कर रहा हूँ, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ बट कोई बात नहीं, आइए जरा आप आगे बढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट पर, अब फिफ्थ से तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, फिफ्थ में कहता है, पढ़ेंगे आप यहाँ पे, फिफ्थ में वो कहता है कि भैया आपका प्लांट मशीनरी को रिटर्न डाउन 2 रुपीज इतना कर दो, तो प्लांट मशीनरी था कितना बैलेंस शीट में, 160, 20 से कम हो गया, टू प्लांट मशीनरी 20,000 से वैल्यू कम हो गई, ये कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे 20 से, कोई डाउट आपको नहीं सर, ठीक है। सिक्स में आप आइए, सिक्स के अंदर में कहता कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हमने सोल्ड कर दिया बच्चे, 32 में बैलेंस शीट में कितने का था, 40, तो ठीक है जब बेचा तो कैश हमारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना, 32,000,
इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चला गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का? 40,000 का। आपको 8,000 का जो लॉस हो गया हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों नहीं? बदमाश, प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़े यहाँ पे बना रहे हो, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, घाटा फायदा रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, वो चला गया। ये देखिए बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट चला गया 40 से, कैश आया 32, तो बैलेंस टैली नहीं कर रहा, रिकंस्ट्रक्शन का नाम आपका, ठीक है ना? ये हो गया आपका। सेवन में कहता है गुडविल को हटाओ, ठीक है, जो बोलेगा वो कहता है कि गुडविल को हटाओ, टू गुडविल, कितने से हटाओ? नाम नहीं बता रहा है, यानी कि पूरे अमाउंट से। बैलेंस शीट में कितना है? 55,000 हटा दिया। फिर कहता है कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, वो तो ना बोलता तो भी मैं हटाता जी, टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट को हम यहां पे हटाएंगे। डिवेंचर कितने से आपका? पूरा अमाउंट, यानी कि 2500। और क्या बोल रहा हटाने के लिए? डेट्स, यानी कि डेटर को भी कहता है कि हटाओ, राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा बच्चे, है ना, राइट ऑफ करना, मतलब डेटर्स का नाम लिखना पड़ेगा, डेटर्स, डेटर्स आपका 8600 रुपीज़ है, ये भी ठीक है। और फिर कहता है कि ऑब्सोलीट स्टॉक, यानी कि स्टॉक भी आपको 10,000 से हटाना है, स्टॉक भी आपके खराब है, उसमें 10,000 की वैल्यू मिला हुआ, हटाना है। ये सब कहाँ से? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। देख रो, हर एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट अच्छे होंगे, बाकी सब वही जो बकवास आपने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था। तो आपका 55,000 का आपका हो गया अमाउंट गुडविल, 2500, 8600 और फिर आपका 10,000, ये आ गया आपका 76,100 से हमने एंट्री पास कर दिया, ये भी ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है कि 8th पॉइंट पे आप आइए, 8th पॉइंट कहता है कंटिजेंट लाइबिलिटी थी बच्चे, मतलब कि बैलेंस शीट के बाहर एक लाइबिलिटी थी यहाँ पे जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं था। वो तो हमें पता ही कि कंटिजेंट के अगेंस्ट प्रोविजन थोड़ा ही होता है, क्या समझा रहे हो, हम फाइनल के बच्चे हैं, ठीक है, आगे बताओ। कहता कि एक कंटिजेंट लाइबिलिटी थी जो कि सेटल्ड हो गई, मतलब मेरे बच्चे एक लाइबिलिटी यहाँ पे थी जिसके अगेंस्ट आपको सेटल्ड यानी कि पे करना पड़ा, कितना? 7,000, कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, कंटिजेंट। मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ, मैंने क्या किया जी कि आपको एक गारंटी दिया था, आपको नहीं, इसको गारंटी दिया था, इसको दिया था आपके लिए कि आप इनको कर्ज दे दो। मैंने इनको कहा था कि आपको कर्ज दे दे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं इनको पे कर दूंगा। मेरे ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी था, इनको पहले आपने पे करना था बदमाश, बट अगर आप पे नहीं करोगे तो मुझे पे करना पड़ा। जब ये आपका उस पैसा मांग रहे गए, आपने पेमेंट नहीं किया तो मुझे पे करना पड़ा। कितना अमाउंट पे करना पड़ा? सेटल्ड एट 7,000 पे करना पड़ा। मैंने 7 उनको क्या किया? पे कर दिया। लेकिन फिर जब मैं उनको पे करूंगा, वो तो आपने पे करना था, मैंने आप पे केस कर दिया कि भैया पे करो, मैंने कुछ रिकवरी किया क्या? कहता है ऑफ द अमाउंट 6,300 रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरर, आपसे मैं इसमें से कितना रिकवर कर पाया? 6,300। तो 7,000 मेरे पास से गया, 63 आ गया, तो नेट मेरे पास से कितना चला गया? 700 रुपये मैं एंट्री कर दूंगा, मेरे पास से पैसे गए हैं ना, नेट कितना? 700 से, टू कैश 700, और ये घाटा हो गया खामोखा। मैंने आपके लिए यहाँ पे किसी को गारंटी दिया था, मेरी लाइबिलिटी थोड़ी ही थी। तो बैलेंस शीट से तो कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं हुआ ना, ये तो नीचे का चला गया, बट 7 रुपीज कैश चला गया तो एंट्री बन गया। आप चाहो तो इसको दो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो, 7,000 पे करने का टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और 63 रिकवर करने का टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, नेट एंट्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। सर हर एक एंट्री में आप कैश से क्यों कर रहे हो? सर कैश से क्यों कर रहे हो? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 के चलते मुझे करना पड़ा। एग्जाम में ऐसे आप जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या करते हो? पहले पूरे पॉइंट्स पढ़ते हो, तो आपको यहां समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया, बट मैंने अभी पढ़ा नहीं था। 49 अवेलेबल कैश इज डिपोजिटेड इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जितनी भी एंट्री हमने किया ना, इस एंट्री को करके पता करो कि हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है। अवेलेबल कैश वो चाहता है कि पहले आप एंट्री कैश में कीजिए। जरा बताओ अवेलेबल कैश हमारे पास कितना हो गया? ये देखो आप, तो ऊपर से अगर आए तो पहले वाले में तो कोई कैश की एंट्री है ही नहीं, दूसरे वाले में कोई कैश की एंट्री भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे वाले में कोई कैश की एंट्री, यस 12,300 कैश आया था, 12,300 रुपीज कैश आया था, है ना। तो मैं अवेलेबल कैश में कहाँ चला गया, वो ये कर रहा था मैं वर्किंग यहाँ पे,
ये देखिए आप यहाँ पे आपका फोर्थ वाले मेरे बच्चे यहाँ पे 12,300 कैश आया था, तो एक आया था 12,300 कैश प्लस, और क्या आया यहाँ देख लो, कैश कैश कैश, एक हमारे पास और आया था जी इन्वेस्टमेंट को बेच के 32,000। उसके बाद और कोई कैश यहाँ पे, कोई कैश नहीं है, ये कैश चला गया था 700 रुपीज़ का अमाउंट। तो बताइए हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है। तो आपका 12,300 प्लस 32,000 माइनस आपका 700, यह है 43,600। कहता है कि जो भी कैश अवेलेबल है इस कैश से आप बैंक ओवरड्राफ्ट का पे कर दो। तो कैश चला गया 43,600, जरा बताओ बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 96,000। पूरा पेमेंट हो पाया नहीं, तो जितना पेमेंट हो गया वही ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी आपका कर्ज रह जाएगा, बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट रह जाएगा, जितना पे हो गया ठीक है बाकी रह जाएगा, खत्म हो गया काम आपका। यही एंट्री करना, इसी के चलते मैंने सारी एंट्री कैश में किया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर मेरे बच्चे अगर आपने क्या किया, ये जितनी एंट्री हमने कैश वाले की थी ना, अगर आप पहले से ही यहाँ पे एंट्री अगर कैश ना करके अगर बैंक से किए रहते ना, बैंक यहाँ पे बैंक, तब भी कोई गलत नहीं होता, तब भी गलत नहीं होता। फिर नाइन्थ में आके आपको बोलना पड़ता नो एंट्री, क्यों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही निगेटिव बैलेंस होता है। तो जैसे जैसे आपने बैंक लिखा ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप कम होना शुरू हो गया, और कम हो गया आपका जितना बैलेंस होना चाहिए था उतना हो चुका है, तो फिर हम अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते। समझ मेरी बात, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट, इट्स द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। तो जितने भी आपके ये एंट्री है अगर वहीं पे मैं बैंक से करता तो अपने आप ओवरड्राफ्ट उतना कम हो चुका है, तो हम दोबारा क्यों कम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे फिर नो एंट्री करना पड़ता, बट कैश में क्या, तो एंट्री करके हम दिखा देंगे, आप जैसे भी करें पूरे मार्क्स मिलेंगे जैसे भी करें आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, पास एंट्री हो गया, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम, आप इसका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप गुडविल या कैपिटल या बैलेंस करके तो ठीक, और फिर बैलेंस शीट आप बना लेना, मैं नहीं बनाने वाला, इट्स वेरी सिंपल, आपका कुछ है नहीं इसके अंदर में, ठीक है ना। तो आप प्लीज कॉपी करें, हमें एक क्वेश्चन अभी और करना है बच्चे, आज के टारगेट में 6 क्वेश्चन भी हमारे पास है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 चार क्वेश्चन हो गया, अच्छा रहेगा, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से कॉपी करें आप इसको, कॉपी कीजिए। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसको करके हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें अपने आप को। तो 6 क्वेश्चन पे आप आइए, 6 क्वेश्चन आपका, पढ़िए जरा क्या बता रहा है। अगेन यहाँ पे हम लोग दो चार एडजस्टमेंट्स नए होते हैं, बाकी सब तो बच्चे वही आप जो जानते हैं। 6 में कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ ए एन कंपनी एज ऑन 31st 12 2017, पहले के क्वेश्चन है, इज इज फॉलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट पेटेंट्स गुडविल ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहता है, एट कॉस्ट डेटर्स स्टॉक डेफर्ड एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट लॉस। तो डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉफिट लॉस को तो हटाएंगे हटाएंगे, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता रहा आपका 75,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाले, डिवेंचर बता रहा सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स लोन है। नीचे कहता है कि स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय द फॉलोइंग, पॉइंट 1 प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन 2 रुपीज़ 75, इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज़, ये आपको आता है, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 ईयर्स 3, 4 टू बी वेव्ड, उसकी कोई एंट्री नहीं, और बाकी के बदले में कहता है कि 2 रुपये ईच वाले शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो आप उसको अभी किया था हमने रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप कर जाएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बी पेड इन कैश, तो कैश में पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू कैश अकाउंट, कोई रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट कराऊंगा, है ना, ये सब क्वेश्चन आप खुद कर जाएंगे, मैं फोर्थ पॉइंट कराता हूँ, और इसके लिए मुझे आप ये भी नहीं बोलोगे कि सर इसका आंसर मुझे बता दीजिए, कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। कहता है कि डिवेंचर होल्डर अग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120। बताइए जरा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके पास, ऊपर के 3 पॉइंट्स आप खुद करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप मुझे बताइए कि बैलेंस शीट में कितने का है, 4,25,000। ध्यान से मैं इसका वर्किंग रेडी कर रहा हूँ, इसमें से मेरे बच्चे जो 1 लाख की प्रॉपर्टी है ना, 1 लाख की, कह रहा है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी इसको रिवैल्यू किया गया, रिवैल्यू, जब भी प्रॉपर्टी कोई लेकर जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे उसको रिवैल्यू करेंगे, कहता है कि 120 पे, ठीक है अभी किया था हमने,
और कहता है कि डिवेंचर होल्डर अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू 1 लाख एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग का मतलब होता है कि देखो ना, बैलेंस शीट में जो डिवेंचर्स वो कितने के हैं, 375 के है ना बच्चे, 375,000। तो पूरे 375 से उनका कर्ज खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ 120 के बदले में लेके जा रहे हैं, यानी कि 120 से ही कर्ज खत्म होगा, पार्ट बता रहा ना। तो ये कहता है कि टेकन बाय डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1,20,000। रिपीट कर रहा हूं, पार्ट रिपेमेंट का मतलब होता है कि जो 120 के जो डिवेंचर्स हैं, 1 लाख का डिवेंचर 120 उसकी वैल्यू, एंड 120 के जो आपका प्रॉपर्टी है वो डिवेंचर्स जो 120 के हैं वो उसको लेके चले गए, है ना। एंड टू प्रोवाइड, इसके साथ साथ वो मेरे बच्चे 1,30,000 का एडिशनल कैश भी बिजनेस में देंगे कंपनी को, जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 8%। देखो ना, बैलेंस शीट में जो 6% डिवेंचर है उसका, जो डिवेंचर उनका रेट 6% है, और ये जो नए आपका कैश 130 आ रहा ना बिजनेस में, इस पे रेट कितना होगा, 8%। मतलब कि यहाँ पे प्लस कंपनी, हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज 1,30,000 एंड इशूड 8% डिवेंचर्स। ध्यान देना, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8% आपका होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। मैं बस क्वेश्चन को तोड़ रहा हूँ पार्ट में, है ना। दोबारा पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 4th। डिवेंचर होल्डर अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। बच्चे डिवेंचर होल्डर, इसमें से 1 लाख की प्रॉपर्टी को 120 में पहले रिवैल्यू किया गया, और इसको टेकन बाय डिवेंचर होल्डर डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 120, पार्ट रिपेमेंट है ना, तो 120 का अगर प्रॉपर्टी जाएगा तो 120 से कर्ज खत्म होगा। एक तो ये बता दिया, ये कौन से हैं, ये 6% डिवेंचर हैं, 6% वाले। कंपनी फिर 130 डिवेंचर होल्डर से कैश ले रही है और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा, मतलब इस 130 पे जो नया डिवेंचर इशू किया जाएगा उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% होगा। और भी कुछ बता रहा है यहाँ पे कहीं आपका, नहीं सर और कुछ भी नहीं बता रहा है। तो मेरे बच्चे इसकी एंट्री जो पास किया जाएगा, पहले एक तो एंट्री इसकी कर लीजिए, है ना, एंट्री नंबर ए। फिर ये 120 की वैल्यू की प्रॉपर्टी आप इनको दे दीजिए 120 के बदले में, एंट्री नंबर बी। और नया कैश लेके नया जो डिवेंचर्स आपने इशू किया, एंट्री नंबर सी कर लीजिए। आइए इन तीन एंट्री को फोर्थ पॉइंट के अंदर करते हैं। 1, 2, 3 तो आप ऑलरेडी एंट्री कर जाएंगे, फोर्थ का मैं कर रहा हूँ पॉइंट नंबर ए वाली एंट्री। पहले क्या करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। एंड टू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बताओ जरा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर गई, 20,000 से। लीजिए हमने कर दिया, है ना बच्चे। इसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने क्या किया, डिवेंचर होल्डर यानी कि 6% डिवेंचर्स की लायबिलिटी कम होगी। और ध्यान रखना, पार्ट रिपेमेंट मतलब जितने की हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उतने से ही लायबिलिटी कम होगी, 120, कोई घाटा फायदा नहीं हो रहा यहाँ पे। एंड टू, आपने क्या किया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने इनको दे दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे दे दिया, वो प्रॉपर्टी हमने कितने का दे दिया आपका, 120 का, 1,20,000 का, समझ रहे हो ना, 120 का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या किया, इनको दे दिया। ये काम खत्म आपका, बोलो। हाँ, इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद कहता आपका फिफ्थ पॉइंट, ये आप कर जाएंगे, पेटेंट्स को, गुडविल को एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग को राइट ऑफ करना है, ठीक है। सिक्स, स्टॉक को भी 65,000 से डिक्रीज करना, ये भी आप कर जाएंगे। सेवेंथ, अमाउंट ऑफ 68 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, प्रोवाइडेड यानी कि प्रोविजन बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन आपका 68,500, ये भी हो गया। एट पॉइंट थोड़ा गेम खेलने वाला है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, रिमेनिंग, ये देखिए आप 425 में 1 लाख की बात यहां कर गया, जो रिमेनिंग आपका बच गया ना, कितने का, 3,25,000 का, है ना, 420, ये जो रिमेनिंग आपका बच गया 325 का, इसको कहता है कि इसको रीवैल्यू किया गया, रीवैल्यूड एट कितने पे रीवैल्यू किया गया जी आपका, 3,87,000
87,500 रुपीज़ पे आपका, तो कोई बात नहीं। ये जो रिमेनिंग को रिवैल्यू करने की एंट्री होगी, ये तो फोर्थ में सिर्फ तीन एंट्री बनेगा, एक दो अच्छा वो तीसरी एंट्री नहीं, क्या कहा मैंने, सॉरी एक एंट्री और यहाँ पे कीजिए, ये कैश लेने का सी में, तो एंट्री क्या होगा बच्चे, कैश आया यानी कि बैंक को बढ़ाएंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और नया डिवेंचर्स जो इशू किया वो 8% डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स। तो ये अमाउंट कितने का हो गया आपका, 1,30,000 का एंड 1,30,000 का, ठीक है ना, ये तीन एंट्री यहाँ पे। और ये जो एंट्री होगी ना वो कहाँ बन जाएगी, पॉइंट नंबर 8 में। तो आप यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एंड टू आप बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपको, कंस्ट्रक्शन अकाउंट कितने से बढ़ गया बताइए आप यहाँ पे, तो 387,500 माइनस आपका 325,000, ये आ गया 62,500 से। तो 62,500 से आप क्या करेंगे, इस एंट्री को पास करेंगे, बात समझ में आ गई आपका, इधर उधर किया था कोई दिक्कत नहीं है। फिर नाइन्थ में कहता है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमने 140 में बेच दिया, बैंक में 140 आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा 55 का चला गया, घाटा फायदा रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। टेंथ पॉइंट पे आइए, टेंथ में करा देता हूँ, है ना, टेंथ पॉइंट कहता है कि डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, बैलेंस शीट में डायरेक्टर्स लोन कितने का, 1,00,000 का, ये 1,00,000 के लोन का मेरे बच्चे सेटलमेंट हो रहा है, तो डायरेक्टर्स लोन आपका जो बैलेंस शीट में 1,00,000 है उसको आप हटा दीजिए, 1,00,000। टू क्या करेंगे, कहते हैं कि 90% तो हमने इक्विटी शेयर्स में दे दिया, यानी कि इनका इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू जो पेमेंट हुआ है वो 90,000 का, और 45,000 शेयर्स हैं इंटू टू, 2 रुपये वाले शेयर सब पर, ठीक है। फिर कहता है कि 5% का पेमेंट कैश में किया, तो 2 कैश या 2 बैंक आपकी मर्जी, 5% कितना हो जाएगा, 5,000 का अमाउंट, और बाकी 5% कहता है कि वेव यानी कि माफ़ी मिल गई, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 5,000 का अमाउंट, काम खत्म हो गया, इट्स वेरी सिंपल। बोलो हाँ यस सर। 11th में आइए, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटल 2,250। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब मेरे बच्चे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम किसी से करने का आपने कमिटमेंट किया था, और क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस ठीक से चल नहीं पा रहा था आपने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करना पड़ा, और उसके चलते 5% आपको पेनल्टी पे करना पड़ा। वो कैपिटल कमिटमेंट 250 बैलेंस शीट में थोड़ा ही होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली आपका, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आप मेरे लिए ये एसेट्स बना देना, और उसके लिए हमने 2,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मना कर रहे हैं कि नहीं बनाना, तो हमें पेनल्टी पे करना पड़ा, तो ठीक है पेनल्टी की एंट्री कर दो ना, पे किया 2 बैंक अकाउंट, कितना हमने पे किया, तो 250 का 5% यानी कि 12,500, और हमें घाटा हो गया ना, कुछ हमने बनवाया भी नहीं, और खामखा हमें पेनल्टी पे करना पड़ा 12,500 का, एंट्री कंप्लीट हो गया। कहता है कि वो रिक्वायर्ड टू एंट्रीज, एंट्रीज आप पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन बनाना टैली करेगा तो ठीक है, अदरवाइज बैलेंसिंग, और बैलेंस शीट में आप आइटम्स को लिखेंगे नेम फॉर्मेट के मुताबिक, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आपकी होने वाली है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे 6 क्वेश्चन के साथ, अगली क्लास में 7th क्वेश्चन में जब आऊँगा तो एक सरेंडर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट वो कराऊँगा, 7, 8, 9 और 10 और उसके बाद 11 और फिर आपका 12th, ये 11th 12th आपके इंस्टीट्यूट के, सर 12th 13 आपके स्टडी मेड के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये, बाकी ये भी क्वेश्चन करके बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को हम एंड करेंगे अगली क्लास में, कोशिश करेंगे एंड करने का। चलिए आप सबको मेरे बच्चे बाय बाय टाटा, 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसके सिवाय कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, और अगर आपको ट्राई करने का मन कर भी जाए कि चलो मैं कुछ ट्राई करूँ, तो भी अभी ट्राई मत करना, तो भी मत करना, बस इतना ही करके रखना है पूरा रिवीजन, क्योंकि आगे अभी कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, वहाँ पे आपकी मास्टरी कराऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में स्काई कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जल्दी सीए में बनिए, खूब सारी मस्ती लाइफ में आने वाली है, रियली बता रहा हूँ, खूब सारी मस्ती आने वाली है, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से, किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीएसई सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट फ्रॉम सीएसई एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार तो सर के क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करो तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर ओवर कंटेंट। थैंक्स टू सीओसी माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।